हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले। तो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं रणबीर कपूर की फिल्म ए दिल है मुश्किल। तो ए दिल है मुश्किल 2016 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन करण जौहर ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा हैं। फिल्म में शाहरुख खान, फवाद खान कैमियो करते हुए दिखाई दिए थे। तो फिल्म 28 अक्टूबर 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। तो चार्मिंग दिखने वाला लड़का अयान और मस्त मौला लड़की अलीजे की मुलाकात लंदन में के एक बार में होती है। सीन को लंबा कर देने वाले कुछ रोमांटिक लम्हे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ने लगती हैं, अलीजे को अयान के बचकानेपन का एहसास होता है, लिहाजा दोनों का रिश्ता दोस्ती पर आकर खत्म हो जाता है। कुछ बियर की बोतलें और कुछ फिल्मी डायलॉग्स उनकी दोस्ती को और गहरा करते हैं। इसके बाद एक डबल डेट का भंडाफोड़ का उस वक्त होता है जब अयान को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लीजा उसे धोखा दे रही है और उसका रिश्ता अलीजे के होने वाले पति के साथ है। तो लीजा से अयान का रिश्ता तोड़वाने में अलीजे अयान की मदद करती है और दोनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। इसी बीच अयान को एहसास होता है कि अलीजे से प्यार हो गया है, लेकिन अलीजे साफ इनकार कर देती है। तभी एंट्री होती है अलीजे के पूर्व प्रेमी तबाही अली, जो नाटक क्लब में डीजे है। तो अली स्वीकारता है कि उसे अभी भी अलीजे से प्यार है और वह अब उसे अपनी जिंदगी में फिर पाना चाहता है। उधर दो दिल जुड़ रहे होते हैं, इधर अयान और एक तरफा प्यार के साथ दुख में डूब जाता है। तभी अचानक ही उसकी मुलाकात होती है सबा से, जो उसे प्यार के नए मायने समझाती है। तो अब क्या अयान के लिए टूटे दिल को फिर जोड़ना मुश्किल होगा या अलीजे उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी? बाकी की पूरी फिल्म इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है। अगर रणबीर कपूर की बॉक्स ऑफिस की पिछली सुपरहिट फिल्मों का नाम याद करें तो करण जौहर के बैनर तले बनी ये जवानी है दीवानी ही इसकी पिछली सुपरहिट फिल्म थी। तो लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे रणबीर कपूर की हिट की तलाश शायद इस बार फिर करण जौहर के बैनर से ही पूरी हो जाए। तो बतौर डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स के बाद करण ने दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाली। तो एक बार फिर उन्होंने इमोशन और म्यूजिक का सहारा लेकर फिल्म बनाई। बेशक फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर और पाक कलाकारों को लेकर उठे विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका सीधा फायदा आज फिल्म के रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर नजर आया। तो फिल्म को कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में 80-90% की ओपनिंग मिली, तो नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्सों में 50-70% तक ऑक्यूपेंसी मिली। तो करण ने इस फिल्म पर करीब 85 करोड़ से ज्यादा का बजट लगाया। ऐसे में 2500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म अगर अगले 5 दिन करीब 60-70% की ऑक्यूपेंसी करती है तो फिल्म प्रॉफिट में आ जाएगी। फिल्म रिलीज से पहले मीडिया में रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के अंतरंग सीन्स को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद लगता है कि सेंसर ने इनमें से ज्यादातर सीन्स पर अपनी कैंची चला दी थी। तो पाक एक्टर फवाद खान की वजह से विवादों में रहने की वजह से फिल्म का यंगस्टर्स में क्रेज इस कदर बढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर्स का जमघट नजर आया। तो अयान बेशक अच्छा नहीं गाता, लेकिन उसका सपना मोहम्मद रफी जैसा नामी सिंगर बनना है। अपने पापा के डर से अयान ने सिंगर बनने का सपना दिल में दबाकर लंदन में MBA की स्टडी कर रहा है। तो बिंदास टाइप की अपनी अलग दुनिया में रहने वाला अलीजा के बॉयफ्रेंड डॉक्टर अब्बास का मिजाज अलीजा के ठीक उलट है।
तो उसे डांस पार्टी बाजी पसंद नहीं है। इसी बीच एक दिन नयान और अलीजा मिलते हैं और उन्हें लगता है कि जिनके साथ वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं वह उन जैसे बिल्कुल हैं। सो अलीजा अपने बॉयफ्रेंड और अयान अपनी लवर को छोड़कर मौज मस्ती करने पेरिस निकलते हैं। पेरिस में अयान को एहसास होता है कि वह अलीजा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अलीजा अयान को अपने दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तो आपको दीवाना बना देगी ऐश्वर्या और रणबीर की ये हॉट तस्वीरें। अलीजा को कुछ अरसा पहले डीजे अली के साथ ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे में ब्रेकअप के सदमे से उभरने के लिए अलीजा अपना ज्यादा वक्त अयान के साथ गुजारती है। अचानक एक दिन अली फिर अलीजा की जिंदगी में लौट आता है। अलीजा अब अयान को छोड़ अली के साथ उसके शहर लखनऊ जाकर उससे निकाह कर लेती है। यही कहानी में सबा खान की एंट्री होती है जो शोरो शेरो शायरी करती है। सबा बे इंतहा खूबसूरत है। अयान भी अब अच्छा सिंगर बन चुका है। सबा की एंट्री के बाद कहानी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो दर्शकों को झकझोर देता है। तो पूरी फिल्म रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। रॉक स्टार के बाद रणबीर इस फिल्म में एक बार फिर सिंगर और लवर के रोल में है। अयान के किरदार में यकीनन रणबीर ने अच्छी एक्टिंग की है। वहीं बिंदास अलीजा के किरदार को अनुष्का शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिखाया है। इंटरवल से पहले और बाद अनुष्का टोटली डिफरेंट शेड में नजर आई और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छा गई। तो फवाद खान और ऐश्वर्या को बेशक ज्यादा फुटेज नहीं मिली, लेकिन इन दोनों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया है। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म में सरप्राइज एंट्री है जो दर्शकों के बीच एनर्जी लाती है। तो अगर बतौर डायरेक्टर करण जौहर की बात की जाए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के करीब 4 साल बाद एक बार फिर उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली है। म्यूजिकल और इमोशनल सीन्स को फिल्माने में करण की गजब की मास्टरी है। इंटरवल से पहले जहां उन्होंने फिल्म में मौज मस्ती का ऐसा पुट रखा जो यंगस्टर्स की कसौटी पर 100% खरा उतरता है, तो वहीं इंटरवल के बाद करण ने इमोशंस का तड़का लगाया है। स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक करण ने फिल्म की शूटिंग लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रिया में भी की है। तो इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थम जाती है, लेकिन करण ने सुरीले म्यूजिक और खूबसूरत लोकेशंस का सहारा फिल्म को कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया। रिलीज से पहले ही इस फिल्म के कई गाने म्यूजिक चार्ट में टॉप 5 में शामिल हो चुके हैं। करण ने इन गानों को पूरी भव्यता के साथ ऐसे ढंग से फिल्माया है जो यंगस्टर्स की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। बुलिया, ब्रेकअप एयर और टाइटल सॉन्ग्स ए दिल है मुश्किल पहले से यंगस्टर्स की जुबां पर चढ़े हुए हैं। वहीं करण ने फिल्म के 70-80 के दशक के कई सुपरहिट गानों को फिल्म में अलग ढंग से फिल्माया है। तो अगर आप रणबीर कपूर और अनुष्का के फैन हैं तो अपने मनपसंदा इन दोनों स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने और सुरीले संगीत का आनंद लेने के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। बेहद खूबसूरत विदेशी लोकेशंस और सुरीला संगीत फिल्म की एक और USP है। तो करण जौहर फिल्म मेकर यश चोपड़ा के रोमांटिक सिनेमा से बेहद प्रभावित रहे। अपने करियर के शुरुआत में उनके सिनेमा पर एक यह छाप महसूस की जाती रही है। तो पिछली 2 फिल्मों माई नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने अच्छा कमाल भी किया है। तो ए दिल है मुश्किल के जरिए वे फिर अपने चिर परिचित रोमांटिक सिनेमा की ओर लौटे हैं। तो ए दिल है मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेट कर उन्होंने पेश किया है। एक तरफा प्यार शायद भारत में सबसे ज्यादा होता है। इस एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ फिल्म में दर्शाया है। साथ ही साथ लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म केंद्रित की है। अयान प्राइवेट जेट वाला अमीर है। गाना और इश्क के सिवाय उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अयान उस युवा पीढ़ी का नुमाइंदा है जिसके लिए प्यार और ब्रेकअप एक फैशन की तरह है। गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप को स्टेटस की तरह पेश किया जाता है। तो अयान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अलीजा से, जो कि अली के इश्क में गिरफ्त है। वह अयान को अपना सच्चा
दोस्त मानती है वो इश्क में जुनून और दोस्ती में सुकून महसूस करती है। अली के इश्क में उसे वह जुनून नहीं मिलता जो अयान की दोस्ती में मिलता है। तो अयान का प्यार एक तरफा है, वह अलीजा से इसका इजहार भी करता है, लेकिन अलीजा उसे सिर्फ दोस्त मानती है और अली के से निकाह कर लेती है। दिल टूटने के बाद अयान की जिंदगी में खूबसूरत शायरा सबा आती है, लेकिन अयान के लिए वह जरूरत है, ख्वाहिश नहीं। सबा यह बात समझ जाती है और अयान से अलग हो जाती है। उसका अयान के प्रति एक तरफा प्यार था। सबा तलाकशुदा है पूर्व पति ताहिर और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है। तो करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। कुछ कुछ होता है कभी अलविदा ना कहना जैसी अपनी फिल्म को मिला जुला कर करण ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है। तो फिल्म की शुरुआत बढ़िया है। अयान और अलीजा के किरदार अच्छे लगते हैं जो पूरी आजादी के साथ अपने दिल की बात सुनते हैं। दोनों की नोकझोंक और बातें अच्छी लगती हैं। इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है। तो महानगर में रहने वाला युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं। उन्हें अयान और अलीजा अपनी तरह लगते हैं। लंदन की लाइफ स्टाइल, कलाकारों का स्टाइलिश लुक, उनकी कूलनेस आपको बांध कर रखती है। इंटरवल के बाद इन दो बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है। लेखक के रूप में करण जौहर दुविधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। सो दर्शकों का ध्यान बंटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला जाता है ताकि ऐश्वर्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाए। फिल्म और कमजोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आकर अपना असर छोड़ जाते हैं, लेकिन कहानी घिसट कर आगे बढ़ती है। तो कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दाव चला जाता है, लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से उब चुके होते हैं। तो स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदारों के प्यार और अलगाव के भावना की तीव्रता दर्शक महसूस नहीं कर पाते। उन्हें सब सतही लगता है। मुख्य किरदारों की बुद्धिमानी पर शक होने लगता है। मुख्य किरदारों के एक तरफा प्यार से लेकर लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार ही करते हैं। ऐसा लगता है कि करण को ही अपनी कहानी पर ही विश्वास नहीं था। तो अयान और सबा के रिश्ते तो इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है। दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं। सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया। अलीजा और अली के ब्रेकअप को भी ठोस वजह सामने नहीं आती। ये सारे सवाल और स्क्रिप्ट की कमियां फिल्म देखने समय दर्शकों के दिमाग में निरंतर उठती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा उबाऊ या पकाती है। निर्देशक के रूप में करण जौहर अपने लेखक की कमी को ढंकने में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। तो उनका प्रस्तुतिकरण ताजगी से भरा है। इस तरह की कहानी को पर्दे पर पेश करने का सलीका उन्हें आता है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जो मनोरंजन करते हैं। पुराने हिट गानों का बेहतरीन उपयोग किया गया है, लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं है। खास तौर पर सेकेंड हाफ में करण के हाथों से फिल्म छूट जाती है और बहुत लंबी लगने लगती है। संगीत के मामले में फिल्म अमीर है। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने वाकई में मेहनत की है। तो अमिताभ द्वारा लिखे शब्द किरदारों को ताकत देते हैं और प्रीतम की धुने पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं। ए दिल है मुश्किल, बुल्लैया, क्यूटी पाई बेहतरीन बन पड़े हैं। सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है। बिंदास बेपरवाह मजबूत, अलीजा का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिया है। दृश्य के अनुरूप उन्होंने चेहरे पर हाव भाव लाए हैं। तो प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। कई दृश्यों में उन्होंने रणवीर कपूर को बैक फुट पर धकेल दिया है जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं। रणबीर की तारीफ इस बात से के लिए करनी होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सदा हुआ अभिनय किया। तो ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है। यदि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो फिल्म में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है। जिस पाकिस्तानी अभिनेता
फवाद अली खान को लेकर इतना हलचल मचाया गया है। वे चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर नजर आते हैं, लगता है करण ने उनके रोल पर कैंची चला दी है। तो शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि उन्होंने रोमांस का बादशाह कहा जाता है। लिसा हेडन का नाम तारीफ के काबिल है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है, जो आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती हैं। उनकी हर फ्रेम खूबसूरत है और फिल्म को स्टाइलिश लुक देने के लिए काफी पैसा भी खर्च किया गया लगता है। ए दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है, लेकिन कंटेंट में कसर रह जाती है। तो पुरानी बोतल में नई शराब, हम ये बोल सकते हैं नया लेबल। क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? वर्षों से चल रहे इस फिल्मी सवाल को करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल में नई पीढ़ी और भारत पाकिस्तान के किरदारों के साथ बनाया। मगर हाल की पाकिस्तान विरोधी जन भावनाओं को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान को पर्दे पर लखनऊ दिखाने को मजबूर होना पड़ा। तो जबकि किरदारों अलीजा, डीजे अली, ताहिर की भाषा साफ बताती है कि वे पाकिस्तान से हैं, लखनऊ से नहीं। हिंदी फिल्में बनाने वाले करण जौहर भारत से कितने कनेक्ट हैं, इसका पता इसी से चलता है कि उनकी कहानी में हीरो भी भारतीय नहीं है। अयान लंदन में पैदा हुआ और पला है। ये सारे किरदार यूरोप में घूमते हैं, वह भारत के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा को पहचानते हैं। तो असल में करण की फैक्ट्री में बने पूरे सिनेमा में यह कृत्रिम भारतीयता दिखती है। मगर इसमें संदेह नहीं कि उसमें पैसों से आने वाले पल दो पल के ग्लैमर्स की चमक है, और इसे देखने पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं। तो जिन्हें करण की कभी अलविदा ना कहना पसंद आई थी, वह ए दिल है मुश्किल को भी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि अंततः प्यार यहां भी कैंसर है। तो जवानी में कदम रख चुके अयान का बचपना गया नहीं है, और इसी नादानी में उसने 3 बार दिल पर चोट खा चुकी अलीजा को दिल दे दिया है। मगर अलीजा उसे दोस्त से ज्यादा नहीं मानती, क्योंकि उसे प्यार का दर्द नहीं देना चाहती। अलीजा के लिए प्यार में जनून है और दोस्ती में सुकून है। वह अयान के संग साथ में सुकून पाती है। तो अलीजा से दूर होकर अयान जब शराबी शायरी करने वाली तलाकशुदा सबा से मिलता है, तो उसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है, परंतु उसे प्यार नहीं कर पाता। तो फिल्म प्यार की तलाश करते अयान की कहानी है, जिसमें भावनाओं का ज्वार भाटा थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहता है। ए दिल है मुश्किल का पहला हिस्सा काफी देर तक दिशाहीन लफाजी की तरह लगता है, जिसमें आप समझ नहीं पाते कि कहानी किस तरफ जा रही है। तो अलीजा और अयान बार बार शराब खानों, क्लबों और अपने कमरों में लौट कर आते हैं। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं घटता। घटनाक्रम रफ्तार पकड़ता है डीजे अली की एंट्री के साथ, जब अलीजा उसके लिए अयान को अपने से दूर कर देती है। मगर कहानी में विस्तार नहीं है और वह चुनिंदा बिंदुओं पर ही दोहराती रहती है। तो असल में पूरी फिल्म करण जौहर के पुराने सिनेमा से अलग कुछ नहीं कहती। उसकी भावनाएं भी नई नहीं है। रणबीर संभावनाओं के बावजूद बंधे हुए दायरे कुछ खास फिल्मी खेमों के काम कर रहे हैं। इसमें उनका नुकसान है, यह फिल्म उन्हें इतना सुकून जरूर देगी कि इसे देखकर दर्शक उनकी कुछ पिछली फिल्में भूल सकेंगे, कुछ उसे उनके कमबैक का भी नाम देंगे। तो अनुष्का शर्मा के हिस्से लाउड अभिनय आया है। उनके चेहरे पर पहले ही संवेदनाओं की गहराई नहीं दिखती, यहां वह और कम हो गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन यहां हर दृश्य में कमबैक के लिए बेचैन नजर आती हैं। अंततः फिल्म उन्हें निराश ही करेगी, क्योंकि उनका किरदार बीच फिल्म में अप्रासंगिक होकर खो जाता है। तो वह कहानी के बीच में आती हैं और बीच में ही लापता हो जाती हैं। फिल्म का गीत संगीत जरूर इन दिनों आ रही अन्य फिल्मों के मुकाबले सुनने लायक है। तो करण अगर अपने सिनेमा के खांचों को तोड़ सके, तभी आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे, वरना ऐसा सिनेमा उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकेगा और दर्शक दोहराव को कब तक देखते रहेंगे। बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है। बॉलीवुड में शायद ही ऐसी कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी प्यार और रोमांस की स्याही में डुबे बिना लिखी गई हो।
यानी जिसमें रोमांस का तड़का ना लगाया गया हो। तो इसी तरह की हम एक फिल्म का बात कर रहे हैं, ए दिल है मुश्किल, जो कि ए रोमांटिक फिल्म है। क्या ए दिल है मुश्किल भावनात्मक तौर पर एक सफल फिल्म थी या यह फिल्म मुश्किल का सामना करके आई? तो ए दिल है मुश्किल प्रेमियों के बीच एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है, जो कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत गायक अयान सहगल के इंटरव्यू देने से परिचय से होती है, जहां वह अपने सफल गायकी करियर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अयान और जिंदादल उत्साही अलीजा खान से एक नाइट क्लब में मिलते हैं। तो दोनों को दोस्त के रूप में एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, इतना कि वो कभी न अलग होने वाले दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब अयान और अलीजा अपने संबंधित प्रेमियों के साथ डबल डेट पर जाते हैं, तो उस दौरान एक अप्रिय घटना होती है, जिसकी वजह से उनका उनके उनके प्रेमियों के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब अयान और अलीजा अपने अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जाते हैं, जहां दोनों को एक दूसरे का अच्छा साथ अच्छा लगने लगता है। तो अलीजा से अपने प्यार का बार बार इकरार करने के बावजूद वह हमेशा एक ही बात कहती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। एक दिन अयान और अलीजा पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं। वहां अलीजा अपने पूर्व प्रेमी अली से मिलती है, जो कि उस क्लब में डीजे होता है। तो अलीजा जो महसूस करती है कि उसका अली के लिए प्यार फिर से उभर रहा है, अयान को अपना फैसला सुना देती है। वह अयान को बताती है कि वह अली से शादी करना चाहती है और ये व्यक्ति है जिससे वो पहले प्यार हुआ था। तो अयान का ये सुनकर दिल टूट जाता है और तब वह सबा से मिलता है, जो कि एक कवित्री है और एक तलाकशुदा महिला भी है, जिसने अपनी खुशी से तलाक दिया था। तो अयान सबा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। सबा को उस रिश्ते से कुछ गड़बड़ सी नजर आती है। इन सब के बीच अयान को अलीजा के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है और वो हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख देती है। तो अलीजा के बारे में अयान को ऐसी क्या बात पता चलती है जिससे अयान सदमे में आ जाता है? सबा के साथ उसका रिलेशनशिप का क्या अंजाम होता है और अयान किसके साथ सेटल होता है, ये सब बाकी की फिल्म देखकर ही पता चलेगा। तो करण जौहर की फिल्म हमेशा रिश्तों और भावनाओं के ताने बाने में बुनी हुई होती है, जिसमें रईस की झलक और संगीत की महत्ता साफ साफ देखी जा सकती है। तो ए दिल है मुश्किल भी कुछ इस तरह की ही कहानी है। जब से ए दिल है मुश्किल के प्रोमो रिलीज हुए, तब से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा चरम पर थी। यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी भी उतरी, तो फिल्म की कसी हुई पटकथा इसे वास्तविक बनाती है और अत्यंत रूप से आज के रिश्तों से रिलेट करती है। तो फिल्म के संवाद वाकई जीवंत है और इसके स्थितिजन्य वन लाइनर्स निश्चित रूप से दर्शकों के बीच गूंजेंगे। तो हालांकि यह दिल है मुश्किल की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, क्योंकि पहले भी दर्शक इस तरह की कहानी कई बार देख चुके हैं। ऐसा क्या है जो इसे बाकी की फिल्मों से अलग बनाता है? तो वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अत्यंत परिपक्वता, जो कि करण जौहर की हर फिल्म में देखने को मिलती है। ए दिल है मुश्किल में वो सब कुछ है जो करण जौहर की फिल्मों में होता है। तो इसकी परिपक्व कहानी के बावजूद ये फिल्म हर उग्र के वर्ग को भाएगी। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माई नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स जैसी हिट फिल्में निर्देशित करने के बाद करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल को निर्देशित करने की कमान संभाली। तो इस फिल्म पर करण जौहर की त्रुटिहीन फिल्म निर्माण की छाप पूरी तरह से देखी जा सकती है। तो करण जौहर जो अपनी फिल्म की स्टार कास्ट से असाधारण प्रदर्शन निकालने के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर ए दिल है मुश्किल में अपने इस टैग को सार्थक करते हैं। ए दिल है मुश्किल के साथ करण जौहर ये पूरी तरह से साबित करते हैं कि इस तथ्य की पुष्टि
करते हैं कि क्यों उन्हें बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ कहानी वक्ता कहा जाता है। यदि एक शब्द में कहा जाए तो ऐ दिल है मुश्किल के करण जौहर का निर्देशन अनुकरणीय है। बिना किसी नौटंकी या हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाए सीन का सहारा लिए, इमोशंस पर संभालने के लिए और खास तौर पर क्लाइमेक्स के समय पर ट्विस्ट डालने के लिए करण जौहर को पूरे में से पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों को स्थापित करने में बीतता है, वहीं फिल्म का सेकेंड हाफ फिल्म की गति में जान डालता है। उन सीन को मिस मत कीजिए जहां रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा डबल डेट पर जाते हैं। रणबीर तोहफा तोहफा और बेबी डॉल गानों की धुनों पर थिरकते हैं। जब अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को दिल का दर्द का मतलब समझाती है, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अल्प्स में अपने बॉलीवुड सपने को जीते हैं। और फिल्म के सेकेंड हाफ में मेडली सॉन्ग सीक्वेंस जैसे आकर्षक सीन। तो अभिनय की बात करें तो यह फिल्म रणबीर कपूर, जिसकी विशेष रूप से रॉय, बॉम्बे वेलवेट और तमाशा जैसी फिल्में में एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद एक अदद हिट फिल्म की जरूरत थी, तो ये उन्हीं से संबंधित है। तो ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर बहुत जचते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोल उनके लिए ही बना था। तो रणबीर कपूर जो अक्सर फिल्म का केंद्र बिंदु होते हैं ने इस रोल को जिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये दिल है मुश्किल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने फिल्म में शानदार काम किया और पूरी शिद्दत के साथ अपना रोल निभाया। फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उत्कृष्ट है, इतना कि लोग निश्चित रूप से उनकी पिछली फिल्म बॉम्बे वेलवेट की पराजय को पीछे छोड़ देंगे। कुल मिलाकर अनुष्का शर्मा इस फिल्म से उनके प्रदर्शन के मामले में अत्यंत सुखद लगती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म की में सीमित समय होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत, क्लासी और अपनी पिछली सभी भूमिकाओं से अलग लगती हैं। तो ऐश्वर्या को इस तरह में पेश करने के लिए मनीष मल्होत्रा को पूरे में से पूरे अंक दिए जाते हैं। बात रणबीर के किरदार को आकर्षित करने की हो या दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की, ऐश उम्मीदों पर एकदम खरी उतरती है जैसा कि ऐश से उम्मीद कही गई थी। तो फवाद खान जिनकी भूमिका निर्दयता से काट दी गई, जिनका भी जितना भी उन्हें समय मिला है उसमें वे बहुत जची हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और इमरान अब्बास का कैमियो लाम काम चल्लाऊ है। दूसरी ओर शाहरुख खान और लेसा हैडन का कैमियो शानदार रहा है। ये दिल है मुश्किल का संगीत पहले से ही सुपरहिट हो गया है और फिल्म के गाने फिल्म की कहानी में चार चांद लगाते हैं। भुलैया और फिल्म का शीर्षक गीत फिल्म की गति को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। इस फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर भी उतना ही अच्छा है और फिल्म काफी उम्दा मदद करती है, बनाने में मदद करता है। तो फिल्म का छायांकन उत्कृष्ट है। जिस तरह से उन्होंने विदेशी स्थलों को शूट किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि फिल्म का संपादन अच्छा है, यह निश्चित रूप से और कसा हो सकता था, विशेष रूप से फिल्म के सेकंड हाफ में। यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो ये निश्चित रूप से फिल्म के लिए अच्छी साबित होती। कुल मिलाकर ऐ दिल है मुश्किल कहानी बयां करने में महारत हासिल कर चुके करण जौहर की ओर से रिश्तों के लिए समकालीन और नए जमाने की सोच है। यह पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए दिवाली का गिफ्ट है, जो कि बड़े कैनवस पर शानदार लुभावने दृश्यों, चार्ट बस्टर म्यूजिक और एक मनोरंजक पटकथा से भरी है। यह फिल्म जबरदस्त प्रचार, फेस्टिव सीजन से युक्त और विस्तारक वीकेंड के कारण बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में कामयाब होगी और फिल्म के मेकर्स के लिए शानदार रिटर्न भी साबित हुई। संक्षेप में ये दिल है मुश्किल निर्विवाद रूप से सुपरहिट फिल्म रही। तो कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद साल 2000 में करण जौहर ने स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर और 2013 में बॉम्बे टॉकीज फिल्म के एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया था। अब करण ने रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स को लेकर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट की,
जिसे ए दिल है मुश्किल नाम दिया गया था। तो आखिर कैसी बनी थी ये फिल्म, इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो फिल्म की कहानी अयान की है, जो जिंदगी में सिंगर बनना चाहता है, लेकिन अपने पिता के डर की वजह से MBA की पढ़ाई करता है, जहां उसकी मुलाकात अलीजा से होती है और अयान को अलीजा से एक तरफा प्यार हो जाता है। हालांकि अलीजा इसे दोस्ती का नाम देती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और सवा तालियान खान की एंट्री होती है। कहानी में कई मोड़ आते हैं और क्या अयान का एक तरफा प्यार मुकम्मल हो पाता है? तो फिल्म के एक्टर्स रणवीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा के दीवाने हैं। तो ये फिल्म आपको खुद ब खुद आकर्षित करेगी। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने काफी उम्दा काम किया है फिल्म में। शाहरुख खान, लीजा हेडन और आलिया भट्ट के स्पेशल अपीयरेंस भी हैं। और जैसे ही शाहरुख खान का चेहरा स्क्रीन पर आता है, सरप्राइज वाली तालियां जरूर बजती हैं। फिल्म में एक म्यूजिक और विजुअल ट्रीट है, जिसकी वजह से एक ताजगी पूरी फिल्म में बनी रहती है। अगर आपको शेर और शायरी का शौक है, तो फिल्म के दौरान ऐसे कई मौके आते हैं जब आप अच्छी शायरी और वन लाइनर्स सुन लेते हैं। तो फिल्म का सेकेंड हाफ काफी बड़ा लगता है। बहुत सारी उतार चढ़ाव आने की वजह से ये सवाल जहन में चलते लगता है कि आखिर फिल्म खत्म कहां होगी। तो ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी फिल्म का बज क्रिएट करने में फायदेमंद थी, लेकिन फिल्मांकन के दौरान उन्हें और ज्यादा कैश किया जा सकता था। तो साथ ही इन दोनों की एंट्री भी इंटरवल के बाद ही होती है। एक वक्त के बाद जहन में ये भी सवाल आने लगता है कि आखिरकार ये किरदार एक दूसरे से चाहते क्या हैं। इंटरवल के बाद ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है। तो ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे उम्दा एक्टर्स हैं। अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय आपका दिल जीत लेंगी। तो अजीब कहानी है प्यार और दोस्ती के रिश्ते की। प्यार हमारा हीरो, दोस्ती हमारी हीरोइन। और इस फिल्म में रणवीर कपूर ने प्यार और दोस्ती दोनों ही कारण आपको दिए हैं। तो फिल्म जरूर देखी जा सकती है। एक बात जो ए दिल है मुश्किल को विनर साबित करती है, वो है फिल्म के डायलॉग्स। तो फिल्म के डायलॉग सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। तो चार्मिंग दिखने वाला लड़का अयान और मस्त वाला लड़की अलीजह की मुलाकात लंदन में एक बार में होती है। सीन को लंबा कर देने वाले कुछ रोमांटिक लम्हे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ती हैं, अलीजह को अयान के बचकानेपन का एहसास होता है, लिहाजा दोनों का रिश्ता दोस्ती पर आकर खत्म हो जाता है। लीजा से अयान का रिश्ता तोड़वाने के में अलीजा अयान की मदद करती है और दोनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। तभी एंट्री होती है अलीजा के पूर्व प्रेमी तबाही अली की, जो नाइट क्लब में डीजे है। तो अली स्वीकारता है कि उसे अभी भी अलीजा से प्यार है और वह उसे अपनी जिंदगी से फेर पाना चाहता है। उधर दो दिल जुड़ रहे होते हैं, इधर अयान अपने एक तरफा प्यार के साथ दुख में डूब जाता है। तभी अचानक ही उसकी मुलाकात होती है सवा से, जो उसे प्यार के नए मायने समझाती है। क्या अब क्या अयान के लिए टूटे दिल को फिर जोड़ना मुश्किल होगा, या अलीजा उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी? तो करण जौहर यहां एक तरफा प्यार की बात करते हैं और उनके किरदारों को देखकर आप महसूस करेंगे यह हमें हम में से कोई भी हो सकता है। हालांकि फिल्म के सेकेंड हाफ में कई जगहों पर आपको कहानी कमजोर होती देखेगी। करण जौहर ने अपने सब प्लॉट में कैंसर को भी जोड़ लिया है, जो सिर्फ फिल्म को लंबी करने का काम करता है। तो जहां संवेदनशीलता की बात आती है, तो करण रणबीर कपूर अपने उम्दा अभिनय से सबके दिलों को जीत जाते हैं। वहीं अनुष्का के मस्त मौला किरदार को देखना अच्छा लगा है। रणबीर अनुष्का की दोस्ती फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। वहीं ऐश्वर्या राय फिल्म के हर फ्रेम में बेहद खूबसूरत दिखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किरदार पर ज्यादा काम नहीं किया गया, जबकि फवाद खान के कैमियो को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। आलिया भट्ट का सरप्राइज अच्छा है। वहीं शाहरुख खान को कैसे भूला जा सकता है, जब शाहरुख खान अयान से कहते हैं एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, औरों की तरह यह दो लोगों में नहीं बटती। तो एक बात जो ए दिल है मुश्किल को विनर साबित करती है, वो है फिल्म के डायलॉग्स। फिल्म के डायलॉग सीधे आपके दिल में उतरेंगे। अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को बचा लेती है। फिल्म का टाइटल और बुल्लाया बेहतरीन लगे हैं। ब्रेकअप सॉन्ग मस्ती भरा माहौल बना देगा, जबकि चन्ना मेरिया आपको इमोशनल कर देगा।
तो ए दिल है मुश्किल से रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक उम्दा एक्टर है। अजीब कहानी है प्यार और दोस्ती के रिश्ते की। प्यार हमारा हीरो, दोस्ती हमारी हीरोइन, और इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्यार और दोस्ती दोनों ही कारण आपको दिए हैं। फिल्म जरूर देखी जा सकती है दोस्तों। तो ए दिल है मुश्किल 2016 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन करण जौहर ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा हैं। फिल्म में शाहरुख खान, फवाद खान कैमियो करते हुए दिखाई दिए थे। तो फिल्म 28 अक्टूबर 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। तो चार्मिंग दिखने वाला लड़का अयान और मस्त मौला लड़की अलीजे की मुलाकात लंदन में के एक बार में होती है। सीन को लंबा कर देने वाले कुछ रोमांटिक लम्हे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ने लगती हैं, अलीजे को अयान के बचकानेपन का एहसास होता है, लिहाजा दोनों का रिश्ता दोस्ती पर आकर खत्म हो जाता है। कुछ बियर की बोतलें और कुछ फिल्मी डायलॉग्स उनकी दोस्ती को और गहरा करते हैं। इसके बाद एक डबल डेट का भंडाफोड़ का उस वक्त होता है जब अयान को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लीजा उसे धोखा दे रही है और उसका रिश्ता अलीजे के होने वाले पति के साथ है। तो लीजा से अयान का रिश्ता तोड़वाने में अलीजे अयान की मदद करती है और दोनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। इसी बीच अयान को एहसास होता है कि अलीजे से प्यार हो गया है, लेकिन अलीजे साफ इनकार कर देती है। तभी एंट्री होती है अलीजे के पूर्व प्रेमी तबाही अली, जो नाटक क्लब में डीजे है। तो अली स्वीकारता है कि उसे अभी भी अलीजे से प्यार है और वह उसे अपनी जिंदगी में फिर पाना चाहता है। उधर दो दिल जुड़ रहे होते हैं, इधर अयान और एक तरफा प्यार के साथ दुख में डूब जाता है। तभी अचानक ही उसकी मुलाकात होती है सबा से, जो उसे प्यार के नए मायने समझाती है। तो अब क्या अयान के लिए टूटे दिल को फिर जोड़ना मुश्किल होगा या अलीजे उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी? बाकी की पूरी फिल्म इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है। अगर रणबीर कपूर की बॉक्स ऑफिस की पिछली सुपरहिट फिल्मों का नाम याद करें तो करण जौहर के बैनर तले बनी ये जवानी है दीवानी ही इसकी पिछली सुपरहिट फिल्म थी। तो लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे रणबीर कपूर की हिट की तलाश शायद इस बार फिर करण जौहर के बैनर से ही पूरी हो जाए। तो बतौर डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स के बाद करण ने दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाली। तो एक बार फिर उन्होंने इमोशन और म्यूजिक का सहारा लेकर फिल्म बनाई। बेशक फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर और पाक कलाकारों को लेकर उठे विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका सीधा फायदा आज फिल्म के रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर नजर आया। तो फिल्म को कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में 80-90% की ओपनिंग मिली, तो नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्सों में 50-70% तक ऑक्यूपेंसी मिली। तो करण ने इस फिल्म पर करीब 85 करोड़ से ज्यादा का बजट लगाया। ऐसे में 2500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म अगले 5 दिन करीब 60-70% की ऑक्यूपेंसी करती है तो फिल्म प्रॉफिट में आ जाएगी। फिल्म रिलीज से पहले मीडिया में रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के अंतरंग सीन्स को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद लगता है कि सेंसर ने इनमें से ज्यादातर सीन्स पर अपनी कैंची चला दी थी। तो पाक एक्टर फवाद खान की वजह से विवादों में रहने की वजह से फिल्म का यंगस्टर्स में क्रेज इस कदर बढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर्स का जमघट नजर आया। तो अयान बेशक अच्छा नहीं गाता, लेकिन उसका सपना मोहम्मद रफी जैसा नामी सिंगर बनना है। अपने पापा के डर से अयान ने सिंगर बनने का सपना दिल में दबाकर लंदन में MBA की स्टडी कर रहा है। तो बिंदास टाइप की अपनी अलग दुनिया में रहने वाला अलीजा के बॉयफ्रेंड डॉक्टर अब्बास का मिजाज अलीजा के ठीक उलट है। तो उसे डांस पार्टी बाजी पसंद नहीं है। इसी बीच एक दिन अयान और अलीजा मिलते हैं और उन्हें लगता है कि जिनके साथ वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं वह उन जैसे बिल्कुल हैं। सो अलीजा अपने बॉयफ्रेंड और अयान अपनी लवर को छोड़कर मौज मस्ती करने पेरिस निकलते हैं। पेरिस में अयान को एहसास होता है कि वह अलीजा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अलीजा अयान को अपने दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तो आपको दीवाना बना देगी ऐश्वर्या और रणबीर की ये हॉट तस्वीरें। अलीजा को कुछ अरसा पहले डीजे अली के साथ ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे में ब्रेकअप के सदमे से उभरने के लिए
अलीजा अपना ज्यादा वक्त अयान के साथ गुजारती है। अचानक एक दिन अली फिर अलीजा की जिंदगी में लौट आता है। अलीजा अब अयान को छोड़ अली के साथ उसके शहर लखनऊ जाकर उससे निकाह कर लेती है। यही कहानी में सबा खान की एंट्री होती है, जो शोरो शेरो शायरी करती है। सबा बेइंतहा खूबसूरत है, अयान भी अब अच्छा सिंगर बन चुका है। सबा की एंट्री के बाद कहानी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो दर्शकों को झकझोर देता है। तो पूरी फिल्म रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। रॉकस्टार के बाद रणबीर इस फिल्म में एक बार फिर सिंगर और लवर के रोल में है। अयान के किरदार में यकीनन रणबीर ने अच्छी एक्टिंग की है। वहीं बिंदास अलीजा के किरदार में अनुष्का शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिखाया है। इंटरवल से पहले और बाद अनुष्का टोटली डिफरेंट शेड में नजर आई और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छा गई। तो फवाद खान और ऐश्वर्या को बेशक ज्यादा फुटेज नहीं मिली, लेकिन इन दोनों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया है। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म में सरप्राइज एंट्री है, जो दर्शकों के बीच एनर्जी लाती है। तो अगर बतौर डायरेक्टर करण जौहर की बात की जाए, तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के करीब 4 साल बाद एक बार फिर उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली है। म्यूजिकल और इमोशनल सीन्स को फिल्माने में करण की गजब की मास्टरी है। इंटरवल से पहले जहां उन्होंने फिल्म में मौज मस्ती का ऐसा पुट रखा जो यंगस्टर्स की कसौटी पर 100% खरा उतरता है, तो वहीं इंटरवल के बाद करण ने इमोशंस का तड़का लगाया है। स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक करण ने फिल्म की शूटिंग लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रिया में भी की है। तो इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थम जाती है, लेकिन करण ने सुरीले म्यूजिक और खूबसूरत लोकेशंस का सहारा फिल्म को कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया। रिलीज से पहले ही इस फिल्म के कई गाने म्यूजिक चार्ट में टॉप 5 में शामिल हो चुके हैं। करण ने इन गानों को पूरी भव्यता के साथ ऐसे ढंग से फिल्माया है जो यंगस्टर्स की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। बुलिया, ब्रेकअप, एयर और टाइटल सॉन्ग्स ए दिल है मुश्किल पहले से यंगस्टर्स की जुबां पर चढ़े हुए हैं। वहीं करण ने फिल्म के 70-80 के दशक के कई सुपरहिट गानों को फिल्म में अलग ढंग से फिल्माया है। तो अगर आप रणबीर कपूर और अनुष्का के फैन हैं, तो अपने मनपसंदा इन दोनों स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने और सुरीले संगीत का आनंद लेने के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। बेहद खूबसूरत विदेशी लोकेशंस और सुरीला संगीत फिल्म की एक और USP है। तो करण जौहर फिल्म मेकर यश चोपड़ा के रोमांटिक सिनेमा से बेहद प्रभावित रहे। अपने करियर के शुरुआत में उनके सिनेमा पर एक यह छाप महसूस की जाती रही है। तो पिछली 2 फिल्मों माय नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने अच्छा कमाल भी किया है। तो ए दिल है मुश्किल के जरिए वे फिर अपने चिर परिचित रोमांटिक सिनेमा की ओर लौटे हैं। तो ए दिल है मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेट कर उन्होंने पेश किया है। एक तरफा प्यार शायद भारत में सबसे ज्यादा होता है, इस एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ फिल्म में दर्शाया है। साथ ही साथ लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म केंद्रित की है। अयान प्राइवेट जेट वाला अमीर है, गाना और इश्क के सिवाय उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अयान उस युवा पीढ़ी का नुमाइंदा है जिसके लिए प्यार और ब्रेकअप एक फैशन की तरह है। गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप को स्टेटस की तरह पेश किया जाता है। तो अयान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अलीजा से, जो कि अली के इश्क में गिरफ्त है। वो अयान को अपना सच्चा दोस्त मानती है। वो इश्क में जनून और दोस्ती में सुकून महसूस करती है। अली के इश्क में उसे वह जनून नहीं मिलता जो अयान की दोस्ती में मिलता है। तो अयान का प्यार एक तरफा है, वह अलीजा से इसका इजहार भी करता है, लेकिन अलीजा उसे सिर्फ दोस्त मानती है और अली के से निकाह कर लेती है। दिल टूटने के बाद अयान की जिंदगी में खूबसूरत शायरा सबा आती है, लेकिन अयान के लिए वह जरूरत है, ख्वाहिश नहीं। सबा यह बात समझ जाती है और अयान से अलग हो जाती है। उसका अयान के प्रति एक तरफा प्यार था। सबा तलाकशुदा है पूर्व पति ताहिर और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है। तो करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। कुछ कुछ होता है कभी अलविदा ना कहना जैसी अपनी फिल्म को मिला जुला कर करण ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है। तो फिल्म की शुरुआत बढ़िया है। अयान और अलीजा के किरदार अच्छे लगते हैं, जो पूरी आजादी के साथ अपने दिल की बात सुनते हैं। दोनों की नोकझोंक और बातें अच्छी लगती हैं। इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छी तरह से
पेश किया गया है। तो महानगर में रहने वाला युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं। उन्हें अयान और अलीजा अपनी तरह लगते हैं। लंदन की लाइफस्टाइल, कलाकारों का स्टाइलिश लुक, उनकी कूलनेस आपको बांध कर रखती है। इंटरवल के बाद इन दो बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है। लेखक के रूप में करण जौहर दुविधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। सो दर्शकों का ध्यान बंटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला जाता है ताकि ऐश्वर्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाए। फिल्म और कमजोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आकर अपना असर छोड़ जाते हैं, लेकिन कहानी घिसट कर आगे बढ़ती है। तो कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दाव चला जाता है, लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से उब चुके होते हैं। तो स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदारों के प्यार और अलगाव के भावना की तीव्रता दर्शक महसूस नहीं कर पाते। उन्हें सब सतही लगता है। मुख्य किरदारों की बुद्धिमानी पर शक होने लगता है। मुख्य किरदारों के एक तरफा प्यार से लेकर लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार ही करते हैं। ऐसा लगता है कि करण को ही अपनी कहानी पर ही विश्वास नहीं था। तो अयान और सबा के रिश्ते तो इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है। दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं। सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया। अलीजा और अली के ब्रेकअप को भी ठोस वजह सामने नहीं आती। ये सारे सवाल और स्क्रिप्ट की कमियां फिल्म देखने समय दर्शकों के दिमाग में निरंतर उठती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा उबाऊ या पकाती है। निर्देशक के रूप में करण जौहर अपने लेखक की कमी को ढंकने में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। तो उनका प्रस्तुतिकरण ताजगी से भरा है। इस तरह की कहानी को पर्दे पर पेश करने का सलीका उन्हें आता है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जो मनोरंजन करते हैं। पुराने हिट गानों का बेहतरीन उपयोग किया गया है, लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं है। खास तौर पर सेकंड हाफ में करण के हाथों से फिल्म छूट जाती है और बहुत लंबी लगने लगती है। संगीत के मामले में फिल्म अमीर है। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने वाकई में मेहनत की है। तो अमिताभ द्वारा लिखे शब्द किरदारों को ताकत देते हैं और प्रीतम की धुनें पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं। ए दिल है मुश्किल, बुल्लैया, क्यूटी पाई बेहतरीन बन पड़े हैं। सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है। बिंदास, बेपरवाह, मजबूत, अलीजा का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिया है। दृश्य के अनुरूप उन्होंने चेहरे पर हाव भाव लाए हैं। तो प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। कई दृश्यों में उन्होंने रणबीर कपूर को बैक फुट पर धकेल दिया है, जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं। रणबीर की तारीफ इस बात से के लिए करनी होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सदा हुआ अभिनय किया। तो ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है। यदि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो फिल्म में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है। जिस पाकिस्तानी अभिनेता फवाद अली खान को लेकर इतना हलचल मचाया गया है, वे चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर नजर आते हैं, लगता है करण ने उनके रोल पर कैंची चला दी है। तो शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि उन्होंने रोमांस का बादशाह कहा जाता है। लिसा हेडन का नाम तारीफ के काबिल है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है, जो आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती है। उनकी हर फ्रेम खूबसूरत है और फिल्म को स्टाइलिश लुक देने के लिए काफी पैसा भी खर्च किया गया लगता है। ए दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है, लेकिन कंटेंट में कसर रह जाती है। तो पुरानी बोतल में नई शराब हम ये बोल सकते हैं, नया लेबल। क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? वर्षों से चल रहे इस फिल्मी सवाल को करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल में नई पीढ़ी और भारत पाकिस्तान के किरदारों के साथ बनाया। मगर हाल की पाकिस्तान विरोधी जन भावनाओं को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान को पर्दे पर लखनऊ दिखाने को मजबूर होना पड़ा। तो जबकि किरदारों अलीजा, डीजे अली ताहिर की भाषा साफ बताती है कि वे पाकिस्तान से हैं, लखनऊ से नहीं। हिंदी फिल्में बनाने वाले करण जौहर भारत से कितने कनेक्ट हैं, इसका पता इसी से चलता है कि उनकी कहानी में हीरो भी भारतीय नहीं है। अयान लंदन में पैदा हुआ और पला है। ये सारे किरदार यूरोप में घूमते हैं, वह भारत के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा को पहचानते हैं। तो असल में करण की फैक्ट्री में बने पूरे सिनेमा में यह कृत्रिम भारतीयता दिखती है।
मगर इसमें संदेह नहीं कि उसमें पैसों से आने वाले पल दो पल के ग्लैमर्स की चमक है और इसे देखने पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं। तो जिन्हें करण की कभी अलविदा ना कहना पसंद आई थी, वह ए दिल है मुश्किल को भी पसंद कर सकती हैं, क्योंकि अंततः प्यार यहां भी कैंसर है। तो जवानी में कदम रख चुके अयान का बचपना गया नहीं है और इसी नादानी में उसने 3 बार दिल पर चोट खा चुकी अलीजा को दिल दे दिया है, मगर अलीजा उसे दोस्त से ज्यादा नहीं मानती क्योंकि उसे प्यार का दर्द नहीं देना चाहती। अलीजा के लिए प्यार में जनून है और दोस्ती में सुकून है, वह अयान के संग साथ में सुकून पाती है। तो अलीजा से दूर होकर अयान जब शराबी शायरी करने वाली तलाकशुदा सबा से मिलता है तो उसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है, परंतु उसे प्यार नहीं कर पाता। तो फिल्म प्यार की तलाश करते अयान की कहानी है, जिसमें भावनाओं का ज्वार भाटा थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहता है। ए दिल है मुश्किल का पहला हिस्सा काफी देर तक दिशाहीन लफाजी की तरह लगता है, जिसमें आप समझ नहीं पाते कि कहानी किस तरफ जा रही है। तो अलीजा और अयान बार बार शराब खानों, क्लबों और अपने कमरों में लौट कर आते हैं। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं घटता। घटनाक्रम रफ्तार पकड़ता है डीजे अली की एंट्री के साथ, जब अलीजा उसके लिए अयान को अपने से दूर कर देती है, मगर कहानी में विस्तार नहीं है और वह चुनिंदा बिंदुओं पर ही दोहराती रहती है। तो असल में पूरी फिल्म करण जौहर के पुराने सिनेमा से अलग कुछ नहीं कहती। उसकी भावनाएं भी नई नहीं है, रणबीर संभावनाओं के बावजूद बंधे हुए दायरे कुछ खास फिल्मी खेमों के काम कर रहे हैं। इसमें उनका नुकसान है, यह फिल्म उन्हें इतना सुकून जरूर देगी कि इसे देखकर दर्शक उनकी कुछ पिछली फिल्में भूल सकेंगे, कुछ उसे उनके कमबैक का भी नाम देंगे। तो अनुष्का शर्मा के हिस्से लाउड अभिनय आया है, उनके चेहरे पर पहले ही संवेदनाओं की गहराई नहीं दिखती, यहां वह और कम हो गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन यहां हर दृश्य में कमबैक के लिए बेचैन नजर आती हैं। अंततः फिल्म उन्हें निराश ही करेगी क्योंकि उनका किरदार बीच फिल्म में अप्रासंगिक होकर खो जाता है। तो वह कहानी के बीच में आती है और बीच में ही लापता हो जाती हैं। फिल्म का गीत संगीत जरूर इन दिनों आ रही अन्य फिल्मों के मुकाबले सुनने लायक है। तो करण अगर अपने सिनेमा के खांचों को तोड़ सके तभी आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे, वरना ऐसा सिनेमा उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकेगा और दर्शक दोहराव को कब तक देखते रहेंगे। बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है। बॉलीवुड में शायद ही ऐसी कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी प्यार और रोमांस की स्याही में डुबे बिना लिखी गई हो, यानी जिसमें रोमांस का तड़का ना लगाया गया हो। तो इसी तरह की हम एक फिल्म का बात कर रहे हैं, ए दिल है मुश्किल, जो कि ए रोमांटिक फिल्म है। क्या ए दिल है मुश्किल भावनात्मक तौर पर एक सफल फिल्म थी या यह फिल्म मुश्किल का सामना करके आई? तो ए दिल है मुश्किल प्रेमियों के बीच एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है, जो कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत गायक अयान सहगल के इंटरव्यू देने से परिचय से होती है, जहां वह अपने सफल गायकी करियर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अयान और जिंदादल उत्साही अलीजा खान से एक नाइट क्लब में मिलते हैं। तो दोनों को दोस्त के रूप में एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, इतना कि वो कभी न अलग होने वाले दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब अयान और अलीजा अपने संबंधित प्रेमियों के साथ डबल डेट पर जाते हैं, तो उस दौरान एक अप्रिय घटना होती है जिसकी वजह से उनका उनके प्रेमियों के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब अयान और अलीजा अपने अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जाते हैं, जहां दोनों को एक दूसरे का अच्छा साथ अच्छा लगने लगता है। तो अलीजा से अपने प्यार का बार बार इकरार करने के बावजूद वह हमेशा एक ही बात कहती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। एक दिन अयान और अलीजा पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं, वहां अलीजा अपने पूर्व प्रेमी अली से मिलती है, जो कि उस क्लब में डीजे होता है। तो अलीजा जो महसूस करती है कि उसका अली के लिए प्यार फिर से उभर रहा है, अयान को अपना फैसला सुना देती है। वह अयान को बताती है कि वह अली से शादी करना चाहती है और ये व्यक्ति है जिससे वो पहले प्यार हुआ था। तो अयान का ये सुनकर दिल टूट जाता है और तब वह सबा से मिलता है, जो कि एक कवित्री है और एक तलाकशुदा महिला भी है जिसने अपनी खुशी से तलाक दिया था। तो अयान सबा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है।
सबा को उस रिश्ते से कुछ गड़बड़ सी नजर आती है। इन सब के बीच अयान को अलीजा के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है और वो हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख देती है। तो अलीजा के बारे में अयान को ऐसी क्या बात पता चलती है जिससे अयान सदमे में आ जाता है? सबा के साथ उसका रिलेशनशिप का क्या अंजाम होता है और अयान किसके साथ सेटल होता है, ये सब बाकी की फिल्म देखकर ही पता चलेगा। तो करण जौहर की फिल्म हमेशा रिश्तों और भावनाओं के ताने बाने में बुनी हुई होती है, जिसमें रईस की झलक और संगीत की महत्ता साफ साफ देखी जा सकती है। तो ए दिल है मुश्किल भी कुछ इस तरह की ही कहानी है। जब से ए दिल है मुश्किल के प्रोमो रिलीज हुए तब से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा चरम पर थी। यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी भी उतरी तो फिल्म की कसी हुई पटकथा इसे वास्तविक बनाती है और अत्यंत रूप से आज के रिश्तों से रिलेट करती है। तो फिल्म के संवाद वाकई जीवंत है और इसके स्थितिजन्य वन लाइनर्स निश्चित रूप से दर्शकों के बीच गूंजेंगे। तो हालांकि ए दिल है मुश्किल की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, क्योंकि पहले भी दर्शक इस तरह की कहानी कई बार देख चुके हैं। ऐसा क्या है जो इसे बाकी की फिल्मों से अलग बनाता है? तो वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अत्यंत परिपक्वता, जो कि करण जौहर की हर फिल्म में देखने को मिलती है। ए दिल है मुश्किल में वो सब कुछ है जो करण जौहर की फिल्मों में होता है। तो इसकी परिपक्व कहानी के बावजूद यह फिल्म हर उग्र के वर्ग को भाएगी। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माई नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स जैसी हिट फिल्में निर्देशित करने के बाद करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल को निर्देशित करने की कमान संभाली। तो इस फिल्म पर करण जौहर की त्रुटिहीन फिल्म निर्माण की छाप पूरी तरह से देखी जा सकती है। तो करण जौहर जो अपनी फिल्म की स्टार कास्ट से असाधारण प्रदर्शन निकालने के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर ए दिल है मुश्किल में अपने इस टैग को सार्थक करते हैं। ए दिल है मुश्किल के साथ करण जौहर ये पूरी तरह से साबित करते हैं कि इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि क्यों उन्हें बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ कहानी वक्ता कहा जाता है। यदि एक शब्द में कहा जाए तो ए दिल है मुश्किल के करण जौहर का निर्देशन अनुकरणीय है। बिना किसी नौटंकी या हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखे सीन का सहारा लिए, इमोशंस पर संभालने के लिए और खास तौर पर क्लाइमैक्स के समय पर ट्विस्ट डालने के लिए करण जौहर को पूरे में से पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों को स्थापित करने में बीतता है, वहीं फिल्म का सेकेंड हाफ फिल्म की गति में जान डालता है। उन सीन को मिस मत कीजिए जहां रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा डबल डेट पर जाते हैं। रणबीर तोहफा तोहफा और बेबी डॉल गानों की धुनों पर थिरकते हैं। जब अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को दिल का दर्द का मतलब समझाती है, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अल्प्स में अपने बॉलीवुड सपने को जीते हैं। और फिल्म के सेकेंड हाफ में मेडली सॉन्ग सीक्वेंस जैसे आकर्षक सीन। तो अभिनय की बात करें तो यह फिल्म रणबीर कपूर, जिसकी विशेष रूप से रॉय, बॉम्बे वेलवेट और तमाशा जैसी फिल्में में एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद एक अदद हिट फिल्म की जरूरत थी, तो ये उन्हीं से संबंधित है। तो ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर बहुत जचते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोल उनके लिए ही बना था। तो रणबीर कपूर जो अक्सर फिल्म का केंद्र बिंदु होते हैं ने इस रोल को जिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ए दिल है मुश्किल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने फिल्म में शानदार काम किया और पूरी शिद्दत के साथ अपना रोल निभाया। फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उत्कृष्ट है, इतना कि लोग निश्चित रूप से उनकी पिछली फिल्म बॉम्बे वेलवेट की पराजय को पीछे छोड़ देंगे। कुल मिलाकर अनुष्का शर्मा इस फिल्म से उनके प्रदर्शन के मामले में अत्यंत सुखद लगती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म की में सीमित समय होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत, क्लासी और अपनी पिछली सभी भूमिकाओं से अलग लगती हैं। तो ऐश्वर्या को इस तरह में पेश करने के लिए मनीष मल्होत्रा को पूरे में से पूरे अंक दिए जाते हैं। बात रणबीर के किरदार को आकर्षित करने की हो या दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की, ऐश उम्मीदों पर एकदम खरी उतरती है, जैसा कि ऐश के उम्मीद कही गई थी। तो फवाद खान जिनकी भूमिका निर्दयता से काट दी गई,
जिनका भी जितना भी उन्हें समय मिला है उसमें वे बहुत जची हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और इमरान अब्बास का कैमियो लाम काम चल्लाऊ है। दूसरी ओर शाहरुख खान और लेसा हैडन का कैमियो शानदार रहा है। ये दिल है मुश्किल का संगीत पहले से ही सुपरहिट हो गया है और फिल्म के गाने फिल्म की कहानी में चार चांद लगाते हैं। भुल्लैया और फिल्म का शीर्षक गीत फिल्म की गति को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। इस फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर भी उतना ही अच्छा है और फिल्म काफी उम्दा मदद करती है बनाने में मदद करता है तो फिल्म का छायांकन उत्कृष्ट है। जिस तरह से उन्होंने विदेशी स्थलों को शूट किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि फिल्म का संपादन अच्छा है यह निश्चित रूप से और कसा हो सकता था, विशेष रूप से फिल्म के सेकंड हाफ में। यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो ये निश्चित रूप से फिल्म के लिए अच्छी साबित होती। कुल मिलाकर यह दिल है मुश्किल कहानी बयां करने में महारत हासिल कर चुके करण जौहर की ओर से रिश्तों के लिए समकालीन और नए जमाने की सोच है। यह पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए दिवाली का गिफ्ट है जो कि बड़े कैनवस पर शानदार लुभावने दृश्यों चार्टबस्टर म्यूजिक और एक मनोरंजक पटकथा से भरी है। यह फिल्म जबरदस्त प्रचार फेस्टिव सीजन से युक्त और विस्तारक वीकेंड के कारण बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में कामयाब होगी और फिल्म के मेकर्स के लिए शानदार रिटर्न भी साबित हुई। संक्षेप में यह दिल है मुश्किल निर्विवाद रूप से सुपरहिट फिल्म रही। तो कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद साल 2000 में करण जौहर ने स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर और 2013 में बॉम्बे टॉकीज फिल्म के एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया था। अब करण ने रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स को लेकर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट की जिसे ए दिल है मुश्किल नाम दिया गया था। तो आखिर कैसी बनी थी ये फिल्म इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो फिल्म की कहानी अयान की है जो जिंदगी में सिंगर बनना चाहता है लेकिन अपने पिता के डर की वजह से MBA की पढ़ाई करता है जहां उसकी मुलाकात अलीजा से होती है और अयान को अलीजा से एक तरफा प्यार हो जाता है। हालांकि अलीजा इसे दोस्ती का नाम देती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और सबा तालियान खान की एंट्री होती है। कहानी में कई मोड़ आते हैं और क्या अयान का एक तरफा प्यार मुकम्मल हो पाता है। तो फिल्म के एक्टर्स रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा के दीवाने हैं तो ये फिल्म आपको खुद ब खुद आकर्षित करेगी। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने काफी उम्दा काम किया है। फिल्म में शाहरुख खान लीजा हेडन और आलिया भट्ट के स्पेशल अपीयरेंस भी हैं और जैसे ही शाहरुख खान का चेहरा स्क्रीन पर आता है सरप्राइज वाली तालियां जरूर बजती हैं। फिल्म में एक म्यूजिक और विजुअल ट्रीट है जिसकी वजह से एक ताजगी पूरी फिल्म में बनी रहती है। अगर आपको शेर और शायरी का शौक है तो फिल्म के दौरान ऐसे कई मौके आते हैं जब आप अच्छी शायरी और वन लाइनर्स सुन लेते हैं तो फिल्म का सेकेंड हाफ काफी बड़ा लगता है। बहुत सारी उतार चढ़ाव आने की वजह से ये सवाल जहन में चलते लगता है कि आखिर फिल्म खत्म कहां होगी। ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी फिल्म का बज क्रिएट करने में फायदेमंद थी लेकिन फिल्मांकन के दौरान उन्हें और ज्यादा कैश किया जा सकता था तो साथ ही इन दोनों की एंट्री भी इंटरवल के बाद ही होती है। एक वक्त के बाद जहन में ये भी सवाल आने लगता है कि आखिरकार ये किरदार एक दूसरे से चाहते क्या है। इंटरवल के बाद ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है। तो ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे उम्दा एक्टर्स हैं। अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय आपका दिल जीत लेंगी। तो अजीब कहानी है प्यार और दोस्ती के रिश्ते की। प्यार हमारा हीरो, दोस्ती हमारी हीरोइन और इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्यार और दोस्ती दोनों ही कारण आपको दिए हैं। तो फिल्म जरूर देखी जा सकती है। एक बात जो ए दिल है मुश्किल को विनर साबित करती है वो है फिल्म के डायलॉग्स। तो फिल्म के डायलॉग सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। तो चार्मिंग दिखने वाला लड़का अयान और मस्त मौला लड़की अलीजा की मुलाकात लंदन में एक बार में होती है। सीन को लंबा कर देने वाले कुछ रोमांटिक लम्हे लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ती हैं अलीजा को अयान के बचकानेपन का एहसास होता है लिहाजा दोनों का रिश्ता दोस्ती पर आकर खत्म हो जाता है। लीजा से अयान का रिश्ता तोड़वाने के में अलीजा अयान की मदद करती है और दोनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। तभी एंट्री होती है अलीजा के पूर्व प्रेमी तवाही अली की जो नाइट क्लब में डीजे है। तो अली स्वीकारता है कि उसे अभी भी अलीजा से प्यार है और वह उसे अपनी जिंदगी से फेर पाना चाहता है। उधर दो दिल जुड़ रहे होते हैं। इधर अयान अपने एक तरफा प्यार के साथ दुख में डूब जाता है। तभी अचानक ही उसकी मुलाकात होती है सबा से जो उसे प्यार के नए मायने समझाती है। क्या
अब क्या अयान के लिए टूटे दिल को फिर जोड़ना मुश्किल होगा या अलीजा उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी। तो करण जौहर यहां एक तरफा प्यार की बात करते हैं और उनके किरदारों को देखकर आप महसूस करेंगे या हमें हम में से कोई भी हो सकता है। हालांकि फिल्म के सेकेंड हाफ में कई जगहों पर आपको कहानी कमजोर होती देखेगी। करण जौहर ने अपने सब प्लॉट में कैंसर को भी जोड़ लिया है जो सिर्फ फिल्म को लंबी करने का काम करता है। तो जहां संवेदनशीलता की बात आती है तो करण रणबीर कपूर अपने उम्दा अभिनय से सबके दिलों को जीत जाते हैं। वहीं अनुष्का के मस्त मौला किरदार को देखना अच्छा लगा है। रणबीर अनुष्का की दोस्ती फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। वहीं ऐश्वर्या राय फिल्म के हर फ्रेम में बेहद खूबसूरत दिखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किरदार पर ज्यादा काम नहीं किया गया, जबकि फवाद खान के कैमियो को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। आलिया भट्ट का सरप्राइज अच्छा है। वहीं शाहरुख खान को कैसे भूला जा सकता है जब शाहरुख खान अयान से कहते हैं एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, औरों की तरह यह दो लोगों में नहीं बटती। तो एक बात जो ऐ दिल है मुश्किल को विनर साबित करती है वह है फिल्म के डायलॉग्स। फिल्म के डायलॉग सीधे आपके दिल में उतरेंगे। अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को बचा लेती है। फिल्म का टाइटल और बुल्लाया बेहतरीन लगे हैं। ब्रेकअप सॉन्ग मस्ती भरा माहौल बना देगा, जबकि चन्ना मेरिया आपको इमोशनल कर देगा। तो ऐ दिल है मुश्किल से रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक उम्दा एक्टर है। अजीब कहानी है प्यार और दोस्ती के रिश्ते की। प्यार हमारा हीरो, दोस्ती हमारी हीरोइन, और इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्यार और दोस्ती दोनों ही कारण आपको दिए हैं। फिल्म जरूर देखी जा सकती है दोस्तों। तो ऐ दिल है मुश्किल 2016 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन करण जौहर ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा हैं। फिल्म में शाहरुख खान, फवाद खान कैमियो करते हुए दिखाई दिए थे। तो फिल्म 28 अक्टूबर 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। तो चार्मिंग दिखने वाला लड़का अयान और मस्त मौला लड़की अलीजे की मुलाकात लंदन में के एक बार में होती है। सीन को लंबा कर देने वाले कुछ रोमांटिक लम्हे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ने लगती हैं, अलीजे को अयान के बचकानेपन का एहसास होता है, लिहाजा दोनों का रिश्ता दोस्ती पर आकर खत्म हो जाता है। कुछ बियर की बोतलें और कुछ फिल्मी डायलॉग्स उनकी दोस्ती को और गहरा करते हैं। इसके बाद एक डबल डेट का भंडाफोड़ का उस वक्त होता है जब अयान को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लीजा उसे धोखा दे रही है और उसका रिश्ता अलीजे के होने वाले पति के साथ है। तो लीजा से अयान का रिश्ता तोड़वाने में अलीजे अयान की मदद करती है और दोनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। इसी बीच अयान को एहसास होता है कि अलीजे से प्यार हो गया है, लेकिन अलीजे साफ इनकार कर देती है। तभी एंट्री होती है अलीजे के पूर्व प्रेमी तबाही अली, जो नाटक क्लब में डीजे है। तो अली स्वीकारता है कि उसे अभी भी अलीजे से प्यार है और वह अब उसे अपनी जिंदगी में फिर पाना चाहता है। उधर दो दिल जुड़ रहे होते हैं, इधर अयान और एक तरफा प्यार के साथ दुख में डूब जाता है। तभी अचानक ही उसकी मुलाकात होती है सबा से, जो उसे प्यार के नए मायने समझाती है। तो अब क्या अयान के लिए टूटे दिल को फिर जोड़ना मुश्किल होगा या अलीजे उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी? बाकी की पूरी फिल्म इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है। अगर रणबीर कपूर की बॉक्स ऑफिस की पिछली सुपरहिट फिल्मों का नाम याद करें तो करण जौहर के बैनर तले बनी ये जवानी है दीवानी ही इसकी पिछली सुपरहिट फिल्म थी। तो लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे रणबीर कपूर की हिट की तलाश शायद इस बार फिर करण जौहर के बैनर से ही पूरी हो जाए। तो बतौर डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स के बाद करण ने दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाली, तो एक बार फिर उन्होंने इमोशन और म्यूजिक का सहारा लेकर फिल्म बनाई।
बेशक फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर और पाक कलाकारों को लेकर उठे विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका सीधा फायदा आज फिल्म के रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर नजर आया। तो फिल्म को कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में 80 से 90 फीसदी की ओपनिंग मिली, तो नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्सों में 50 से 70 फीसदी तक ऑक्यूपेंसी मिली। तो करण ने इस फिल्म पर करीब 85 करोड़ से ज्यादा का बजट लगाया। ऐसे में 2500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई यह फिल्म अगले 5 दिन करीब 60 से 70 फीसदी की ऑक्यूपेंसी करती है तो फिल्म प्रॉफिट में आ जाएगी। फिल्म रिलीज से पहले मीडिया में रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के अंतरंग सीन्स को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद लगता है कि सेंसर ने इनमें से ज्यादातर सीन्स पर अपनी कैंची चला दी थी। तो पाक एक्टर फवाद खान की वजह से विवादों में रहने की वजह से फिल्म का यंगस्टर्स में क्रेज इस कदर बढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर्स का जमघट नजर आया। तो अयान बेशक अच्छा नहीं गाता, लेकिन उसका सपना मोहम्मद रफी जैसा नामी सिंगर बनना है। अपने पापा के डर से अयान ने सिंगर बनने का सपना दिल में दबाकर लंदन में MBA की स्टडी कर रहा है। तो बिंदास टाइप की अपनी अलग दुनिया में रहने वाला अलीजा के बॉयफ्रेंड डॉक्टर अब्बास का मिजाज अलीजा के ठीक उलट है। तो उसे डांस पार्टी बाजी पसंद नहीं है। इसी बीच एक दिन अयान और अलीजा मिलते हैं और उन्हें लगता है कि जिनके साथ वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं वह उन जैसे बिल्कुल हैं। सो अलीजा अपने बॉयफ्रेंड और अयान अपनी लवर को छोड़कर मौज मस्ती करने पेरिस निकलते हैं। पेरिस में अयान को एहसास होता है कि वह अलीजा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अलीजा अयान को अपने दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तो आपको दीवाना बना देगी ऐश्वर्या और रणबीर की ये हॉट तस्वीरें। अलीजा को कुछ अरसा पहले डीजे अली के साथ ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे में ब्रेकअप के सदमे से उभरने के लिए अलीजा अपना ज्यादा वक्त अयान के साथ गुजारती है। अचानक एक दिन अलीजा फिर अलीजा की जिंदगी में लौट आता है। अलीजा अब अयान को छोड़ अली के साथ उसके शहर लखनऊ जाकर उससे निकाह कर लेती है। यही कहानी में सवा खान की एंट्री होती है जो शोरो शेरो शायरी करती है। सबा बे इंतहा खूबसूरत है, अयान भी अब अच्छा सिंगर बन चुका है। सवा की एंट्री के बाद कहानी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो दर्शकों को झकझोर देता है। तो पूरी फिल्म रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। रॉकस्टार के बाद रणबीर इस फिल्म में एक बार फिर सिंगर और लवर के रोल में है। अयान के किरदार में यकीनन रणबीर ने अच्छी एक्टिंग की है। वहीं बिंदास अलीजा के किरदार को अनुष्का शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिखाया है। इंटरवल से पहले और बाद अनुष्का टोटली डिफरेंट शेड में नजर आई और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छा गई। तो फवाद खान और ऐश्वर्या को बेशक ज्यादा फुटेज नहीं मिली, लेकिन इन दोनों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया है। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म में सरप्राइज एंट्री है जो दर्शकों के बीच एनर्जी लाती है। तो अगर बतौर डायरेक्टर करण जौहर की बात की जाए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के करीब 4 साल बाद एक बार फिर उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली है। म्यूजिकल और इमोशनल सीन्स को फिल्माने में करण की गजब की मास्टरी है। इंटरवल से पहले जहां उन्होंने फिल्म में मौज मस्ती का ऐसा पुट रखा जो यंगस्टर्स की कसौटी पर 100% खरा उतरता है, तो वहीं इंटरवल के बाद करण ने इमोशंस का तड़का लगाया है। स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक करण ने फिल्म की शूटिंग लंदन पेरिस ऑस्ट्रिया में भी की है। तो इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थम जाती है, लेकिन करण ने सुरीले म्यूजिक और खूबसूरत लोकेशंस का सहारा फिल्म को कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया। रिलीज से पहले ही इस फिल्म के कई गाने म्यूजिक चार्ट में टॉप 5 में शामिल हो चुके हैं। करण ने
इन गानों को पूरी भव्यता के साथ ऐसे ढंग से फिल्माया है जो यंगस्टर्स की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। बुलिया, ब्रेकअप, एयर और टाइटल सॉन्ग्स ए दिल है मुश्किल पहले से यंगस्टर्स की जुबां पर चढ़े हुए हैं। वहीं करण ने फिल्म के 70-80 के दशक के कई सुपरहिट गानों को फिल्म में अलग ढंग से फिल्माया है। तो अगर आप रणबीर कपूर और अनुष्का के फैन हैं तो अपने मन पसंदा इन दोनों स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने और सुरीले संगीत का आनंद लेने के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। बेहद खूबसूरत विदेशी लोकेशंस और सुरीला संगीत फिल्म की एक और यूएसपी है। तो करण जौहर फिल्म मेकर यश चोपड़ा के रोमांटिक सिनेमा से बेहद प्रभावित रहे। अपने करियर के शुरुआत में उनके सिनेमा पर एक यह छाप महसूस की जाती रही है। तो पिछली दो फिल्मों माई नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने अच्छा कमाल भी किया है। तो ए दिल है मुश्किल के जरिए वे फिर अपने चिर परिचित रोमांटिक सिनेमा की ओर लौटे हैं। तो ए दिल है मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेट कर उन्होंने पेश किया है। एक तरफा प्यार शायद भारत में सबसे ज्यादा होता है। इस एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ फिल्म में दर्शाया है। साथ ही साथ लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म केंद्रित की है। अयान प्राइवेट जेट वाला अमीर है, गाना और इश्क के सिवाय उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अयान उस युवा पीढ़ी का नुमाइंदा है जिसके लिए प्यार और ब्रेकअप एक फैशन की तरह है। गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप को स्टेटस की तरह पेश किया जाता है। तो अयान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अलीजा से, जो कि अली के इश्क में गिरफ्त है। वो अयान को अपना सच्चा दोस्त मानती है। वो इश्क में जनून और दोस्ती में सुकून महसूस करती है। अली के इश्क में उसे वह जनून नहीं मिलता जो अयान की दोस्ती में मिलता है। तो अयान का प्यार एक तरफा है, वह अलीजा से इसका इजहार भी करता है, लेकिन अलीजा उसे सिर्फ दोस्त मानती है और अली के से निकाह कर लेती है। दिल टूटने के बाद अयान की जिंदगी में खूबसूरत शायरा सवा आती है, लेकिन अयान के लिए वह जरूरत है, ख्वाहिश नहीं। सवा यह बात समझ जाती है और अयान से अलग हो जाती है। उसका अयान के प्रति एक तरफा प्यार था। सवा तलाकशुदा है पूर्व पति ताहिर और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है। तो करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। कुछ कुछ होता है कभी अलविदा ना कहना जैसी अपनी फिल्म को मिला जुला कर करण ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है। तो फिल्म की शुरुआत बढ़िया है। अयान और अलीजा के किरदार अच्छे लगते हैं जो पूरी आजादी के साथ अपने दिल की बात सुनते हैं। दोनों की नोकझोंक और बातें अच्छी लगती हैं। इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है। तो महानगर में रहने वाला युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं। उन्हें अयान और अलीजा अपनी तरह लगते हैं। लंदन की लाइफस्टाइल, कलाकारों का स्टाइलिश लुक उनकी कूलनेस आपको बांध कर रखती है। इंटरवल के बाद इन दो बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है। लेखक के रूप में करण जौहर दुविधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। सो दर्शकों का ध्यान बंटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला जाता है ताकि ऐश्वर्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाए। फिल्म और कमजोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आकर अपना असर छोड़ जाते हैं, लेकिन कहानी घिसट कर आगे बढ़ती है। तो कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दांव चला जाता है, लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से उब चुके होते हैं। तो स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदारों के प्यार और अलगाव के भावना की तीव्रता
दर्शक महसूस नहीं कर पाते, उन्हें सब सतही लगता है। मुख्य किरदारों की बुद्धिमानी पर शक होने लगता है, मुख्य किरदारों के एक तरफा प्यार से लेकर लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार ही करते हैं। ऐसा लगता है कि करण को ही अपनी कहानी पर ही विश्वास नहीं था। तो अयान और सबा के रिश्ते तो इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है। दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं। सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया। अलीजा और अली के ब्रेकअप को भी ठोस वजह सामने नहीं आती। ये सारे सवाल और स्क्रिप्ट की कमियां फिल्म देखने समय दर्शकों के दिमाग में निरंतर उठती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा उबाऊ या पकाती है। निर्देशक के रूप में करण जौहर अपने लेखक की कमी को ढंकने में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, तो उनका प्रस्तुतिकरण ताजगी से भरा है। इस तरह की कहानी को पर्दे पर पेश करने का सलीका उन्हें आता है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जो मनोरंजन करते हैं। पुराने हिट गानों का बेहतरीन उपयोग किया गया है, लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं है। खास तौर पर सेकंड हाफ में करण के हाथों से फिल्म छूट जाती है और बहुत लंबी लगने लगती है। संगीत के मामले में फिल्म अमीर है। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने वाकई में मेहनत की है। तो अमिताभ द्वारा लिखे शब्द किरदारों को ताकत देते हैं और प्रीतम की धुने पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं। ए दिल है मुश्किल, बुल्लैया, क्यूटी पाई बेहतरीन बन पड़े हैं। सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है। बिंदास, बेपरवाह, मजबूत, अलीजा का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिया है। दृश्य के अनुरूप उन्होंने चेहरे पर हाव भाव लाए हैं, तो प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। कई दृश्यों में उन्होंने रणवीर कपूर को बैकफुट पर धकेल दिया है, जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं। रणवीर की तारीफ इस बात से के लिए करनी होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सदा हुआ अभिनय किया। तो ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है। यदि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो फिल्म में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है। जिस पाकिस्तानी अभिनेता फवाद अली खान को लेकर इतना हलचल मचाया गया है, वे चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर नजर आते हैं, लगता है करण ने उनके रोल पर कैंची चला दी है। तो शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि उन्होंने रोमांस का बादशाह कहा जाता है। लिसा हेडन का नाम तारीफ के काबिल है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है, जो आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती हैं। उनकी हर फ्रेम खूबसूरत है और फिल्म को स्टाइलिश लुक देने के लिए काफी पैसा भी खर्च किया गया लगता है। ए दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है, लेकिन कंटेंट में कसर रह जाती है। तो पुरानी बोतल में नई शराब हम ये बोल सकते हैं, नया लेबल। क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? वर्षों से चल रहे इस फिल्मी सवाल को करण जौहर ने ए दल है मुश्किल में नई पीढ़ी और भारत पाकिस्तान के किरदारों के साथ बनाया। मगर हाल की पाकिस्तान विरोधी जन भावनाओं को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान को पर्दे पर लखनऊ दिखाने को मजबूर होना पड़ा। तो जबकि किरदारों अलीजा, डीजे अली, ताहिर की भाषा साफ बताती है कि वे पाकिस्तान से हैं, लखनऊ से नहीं। हिंदी फिल्में बनाने वाले करण जौहर भारत से कितने कनेक्ट हैं, इसका पता इसी से चलता है कि उनकी कहानी में हीरो भी भारतीय नहीं है। अयान लंदन में पैदा हुआ और पला है। ये सारे किरदार यूरोप में घूमते हैं, वह भारत के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा को पहचानते हैं। तो असल में करण की फैक्ट्री में बने पूरे सिनेमा में यह कृत्रिम भारतीयता दिखती है। मगर इसमें संदेह नहीं कि उसमें पैसों से आने वाले पल दो पल के ग्लैमर्स की चमक है, और इसे देखने
पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं। तो जिन्हें करण की कभी अलविदा ना कहना पसंद आई थी, वह ए दिल है मुश्किल को भी पसंद कर सकती हैं, क्योंकि अंततः प्यार यहां भी कैंसर है। तो जवानी में कदम रख चुके अयान का बचपना गया नहीं है, और इसी नादानी में उसने 3 बार दिल पर चोट खा चुकी अलीजा को दिल दे दिया है। मगर अलीजा उसे दोस्त से ज्यादा नहीं मानती, क्योंकि उसे प्यार का दर्द नहीं देना चाहती। अलीजा के लिए प्यार में जुनून है और दोस्ती में सुकून है। वह अयान के संग साथ में सुकून पाती है। तो अलीजा से दूर होकर अयान जब शराबी शायरी करने वाली तलाकशुदा सबा से मिलता है तो उसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है, परंतु उसे प्यार नहीं कर पाता। तो फिल्म प्यार की तलाश करते अयान की कहानी है, जिसमें भावनाओं का ज्वार भाटा थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहता है। ए दिल है मुश्किल का पहला हिस्सा काफी देर तक दिशाहीन लफाजी की तरह लगता है, जिसमें आप समझ नहीं पाते कि कहानी किस तरफ जा रही है। तो अलीजा और अयान बार बार शराब खानों, क्लबों और अपने कमरों में लौट कर आती हैं। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं घटता। घटनाक्रम रफ्तार पकड़ता है डीजे अली की एंट्री के साथ, जब अलीजा उसके लिए अयान को अपने से दूर कर देती है। मगर कहानी में विस्तार नहीं है और वह चुनिंदा बिंदुओं पर ही दोहराती रहती है। तो असल में पूरी फिल्म करण जौहर के पुराने सिनेमा से अलग कुछ नहीं कहती। उसकी भावनाएं भी नई नहीं है। रणबीर संभावनाओं के बावजूद बंधे हुए दायरे कुछ खास फिल्मी खेमों के काम कर रहे हैं। इसमें उनका नुकसान है, यह फिल्म उन्हें इतना सुकून जरूर देगी कि इसे देखकर दर्शक उनकी कुछ पिछली फिल्में भूल सकेंगे, कुछ उसे उनके कमबैक का भी नाम देंगे। तो अनुष्का शर्मा के हिस्से लाउड अभिनय आया है। उनके चेहरे पर पहले ही संवेदनाओं की गहराई नहीं दिखती, यहां वह और कम हो गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन यहां हर दृश्य में कमबैक के लिए बेचैन नजर आती हैं। अंततः फिल्म उन्हें निराश ही करेगी, क्योंकि उनका किरदार बीच फिल्म में अप्रासंगिक होकर खो जाता है। तो वह कहानी के बीच में आती है और बीच में ही लापता हो जाती हैं। फिल्म का गीत संगीत जरूर इन दिनों आ रही अन्य फिल्मों के मुकाबले सुनने लायक है। तो करण अगर अपने सिनेमा के खांचों को तोड़ सके तभी आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे, वरना ऐसा सिनेमा उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकेगा और दर्शक दोहराव को कब तक देखते रहेंगे। बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है। बॉलीवुड में शायद ही ऐसी कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी प्यार और रोमांस की स्याही में डुबे बिना लिखी गई हो, यानी जिसमें रोमांस का तड़का ना लगाया गया हो। तो इसी तरह की हम एक फिल्म का बात कर रहे हैं, ए दिल है मुश्किल, जो कि ए रोमांटिक फिल्म है। क्या ए दिल है मुश्किल भावनात्मक तौर पर एक सफल फिल्म थी, या यह फिल्म मुश्किल का सामना करके आई? तो ए दिल है मुश्किल प्रेमियों के बीच एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है, जो कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत गायक अयान सहगल के इंटरव्यू देने से परिचय से होती है, जहां वह अपने सफल गायकी करियर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अयान और जिंदा दल उत्साही अलीजा खान से एक नाइट क्लब में मिलते हैं। तो दोनों को दोस्त के रूप में एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, इतना कि वो कभी न अलग होने वाले दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब अयान और अलीजा अपने संबंधित प्रेमियों के साथ डबल डेट पर जाते हैं, तो उस दौरान एक अप्रिय घटना होती है, जिसकी वजह से उनका उनके प्रेमियों के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब अयान और अलीजा अपने अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए
पेरिस जाते हैं, जहां दोनों को एक दूसरे का अच्छा साथ अच्छा लगने लगता है। तो अलीजा से अपने प्यार का बार बार इकरार करने के बावजूद वह हमेशा एक ही बात कहती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। एक दिन अयान और अलीजा पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं। वहां अलीजा अपने पूर्व प्रेमी अली से मिलती है, जो कि उस क्लब में डीजे होता है। तो अलीजा जो महसूस करती है कि उसका अली के लिए प्यार फिर से उभर रहा है, अयान को अपना फैसला सुना देती है। वह अयान को बताती है कि वह अली से शादी करना चाहती है और ये व्यक्ति है जिससे वो पहले प्यार हुआ था। तो अयान का ये सुनकर दिल टूट जाता है और तब वह सबा से मिलता है, जो कि एक कवित्री है और एक तलाकशुदा महिला भी है जिसने अपनी खुशी से तलाक दिया था। तो अयान सबा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। सबा को उस रिश्ते से कुछ गड़बड़ सी नजर आती है। इन सब के बीच अयान को अलीजा के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले बात पता चलती है और वो हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख देती है। तो अलीजा के बारे में अयान को ऐसी क्या बात पता चलती है जिससे अयान सदमे में आ जाता है? सबा के साथ उसका रिलेशनशिप का क्या अंजाम होता है और अयान किसके साथ सेटल होता है, ये सब बाकी की फिल्म देखकर ही पता चलेगा। तो करण जौहर की फिल्म हमेशा रिश्तों और भावनाओं के ताने बाने में बुनी हुई होती है, जिसमें रईस की झलक और संगीत की महत्ता साफ साफ देखी जा सकती है। तो ए दिल है मुश्किल भी कुछ इस तरह की ही कहानी है। जब से ए दिल है मुश्किल के प्रोमो रिलीज हुए, तब से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा चरम पर थी। यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी भी उतरी तो फिल्म की कसी हुई पटकथा इसे वास्तविक बनाती है और अत्यंत रूप से आज के रिश्तों से रिलेट करती है। तो फिल्म के संवाद वाकई जीवंत है और इसके स्थितिजन्य वन लाइनर्स निश्चित रूप से दर्शकों के बीच गूंजेंगे। तो हालांकि यह दिल है मुश्किल की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, क्योंकि पहले भी दर्शक इस तरह की कहानी कई बार देख चुके हैं। ऐसा क्या है जो इसे बाकी की फिल्मों से अलग बनाता है? तो वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अत्यंत परिपक्वता, जो कि करण जौहर की हर फिल्म में देखने को मिलती है। ए दिल है मुश्किल में वो सब कुछ है जो करण जौहर की फिल्मों में होता है। तो इसकी परिपक्व कहानी के बावजूद ये फिल्म हर उग्र के वर्ग को भाएगी। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माय नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द इयर्स जैसी हिट फिल्में निर्देशित करने के बाद करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल को निर्देशित करने की कमान संभाली। तो इस फिल्म पर करण जौहर की त्रुटिहीन फिल्म निर्माण की छाप पूरी तरह से देखी जा सकती है। तो करण जौहर जो अपनी फिल्म की स्टार कास्ट से असाधारण प्रदर्शन निकालने के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर ए दिल है मुश्किल में अपने इस टैग को सार्थक करते हैं। ए दिल है मुश्किल के साथ करण जौहर ये पूरी तरह से साबित करते हैं कि इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि क्यों उन्हें बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ कहानी वक्ता कहा जाता है। यदि एक शब्द में कहा जाए तो ए दिल है मुश्किल के करण जौहर का निर्देशन अनुकरणीय है। बिना किसी नौटंकी या हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाए सीन का सहारा लिए, इमोशंस पर संभालने के लिए और खास तौर पर क्लाइमेक्स के समय पर ट्विस्ट डालने के लिए करण जौहर को पूरे में से पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों को स्थापित करने में बीतता है, वहीं फिल्म का सेकेंड हाफ फिल्म की गति में जान डालता है।
उन सीन को मिस मत कीजिए जहां रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा डबल डेट पर जाते हैं। रणबीर तोहफा तोहफा और बेबी डॉल गानों की धुनों पर थिरकते हैं। जब अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को दिल का दर्द का मतलब समझाती है, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अल्प्स में अपने बॉलीवुड सपने को जीते हैं और फिल्म के सेकंड हाफ में मेडली सॉन्ग सीक्वेंस जैसे आकर्षक सीन। तो अभिनय की बात करें तो यह फिल्म रणबीर कपूर, जिसकी विशेष रूप से रॉय, बॉम्बे वेलवेट और तमाशा जैसी फिल्में में एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद एक अदद हिट फिल्म की जरूरत थी, तो ये उन्हीं से संबंधित है। तो ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर बहुत जचते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोल उनके लिए ही बना था। तो रणबीर कपूर जो अक्सर फिल्म का केंद्र बिंदु होते हैं ने इस रोल को जिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ये दिल है मुश्किल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने फिल्म में शानदार काम किया और पूरी शिद्दत के साथ अपना रोल निभाया। फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उत्कृष्ट है, इतना के लोग निश्चित रूप से उनकी पिछली फिल्म बॉम्बे वेलवेट की पराजय को पीछे छोड़ देंगे। कुल मिलाकर अनुष्का शर्मा इस फिल्म से उनके प्रदर्शन के मामले में अत्यंत सुखद लगती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म की में सीमित समय होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत, क्लासी और अपनी पिछली सभी भूमिकाओं से अलग लगती हैं। तो ऐश्वर्या को इस तरह में पेश करने के लिए मनीष मल्होत्रा को पूरे में से पूरे अंक दिए जाते हैं। बात रणवीर के किरदार को आकर्षित करने की हो या दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की, ऐश उम्मीदों पर एकदम खरी उतरती है, जैसा कि ऐश के उम्मीद कही गई थी। तो फवाद खान जिनकी भूमिका निर्दयता से काट दी गई, जिनका भी जितना भी उन्हें समय मिला है उसमें वे बहुत जची हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और इमरान अब्बास का कैमियो लाम काम चलाऊ है। दूसरी ओर शाहरुख खान और लेसा हैडन का कैमियो शानदार रहा है। ये दिल है मुश्किल का संगीत पहले से ही सुपरहिट हो गया है और फिल्म के गाने फिल्म की कहानी में चार चांद लगाते हैं। भुल्लैया और फिल्म का शीर्षक गीत फिल्म की गति को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। इस फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर भी उतना ही अच्छा है और फिल्म काफी उम्दा मदद करती है, बनाने में मदद करता है। तो फिल्म का छायांकन उत्कृष्ट है। जिस तरह से उन्होंने विदेशी स्थलों को शूट किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि फिल्म का संपादन अच्छा है, यह निश्चित रूप से और कसा हो सकता था, विशेष रूप से फिल्म के सेकंड हाफ में। यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो ये निश्चित रूप से फिल्म के लिए अच्छी साबित होती। कुल मिलाकर ऐ दिल है मुश्किल कहानी बयां करने में महारत हासिल कर चुके करण जौहर की ओर से रिश्तों के लिए समकालीन और नए जमाने की सोच है। यह पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए दिवाली का गिफ्ट है, जो के बड़े कैनवस पर शानदार लुभावने दृश्यों, चार्ट बस्टर म्यूजिक और एक मनोरंजक पटकथा से भरी है। यह फिल्म जबरदस्त प्रचार, फेस्टिव सीजन से युक्त और विस्तारक वीकेंड के कारण बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में कामयाब होगी और फिल्म के मेकर्स के लिए शानदार रिटर्न भी साबित हुई। संक्षेप में ये दिल है मुश्किल निर्विवाद रूप से सुपरहिट फिल्म रही। तो कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद साल 2000 में करण जौहर ने स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर और 2013 में बॉम्बे टॉकीज फिल्म के एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया था। अब करण ने रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स को लेकर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट की, जिसे ऐ दिल है मुश्किल नाम दिया गया था। तो आखिर कैसी बनी थी ये फिल्म, इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो फिल्म की कहानी अयान की है,
जो जिंदगी में सिंगर बनना चाहता है लेकिन अपने पिता के डर की वजह से MBA की पढ़ाई करता है, जहां उसकी मुलाकात अलीजा से होती है और आयान को अलीजा से एक तरफा प्यार हो जाता है। हालांकि अलीजा इसे दोस्ती का नाम देती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और सबा तालियान खान की एंट्री होती है। कहानी में कई मोड़ आते हैं और क्या आयान का एक तरफा प्यार मुकम्मल हो पाता है? तो फिल्म के एक्टर्स रणवीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा के दीवाने हैं। तो ये फिल्म आपको खुद ब खुद आकर्षित करेगी। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने काफी उम्दा काम किया है फिल्म में। शाहरुख खान, लीजा हेडन और आलिया भट्ट के स्पेशल अपीयरेंस भी हैं। और जैसे ही शाहरुख खान का चेहरा स्क्रीन पर आता है, सरप्राइज वाली तालियां जरूर बजती हैं। फिल्म में एक म्यूजिक और विजुअल ट्रीट है, जिसकी वजह से एक ताजगी पूरी फिल्म में बनी रहती है। अगर आपको शेर और शायरी का शौक है तो फिल्म के दौरान ऐसे कई मौके आते हैं जब आप अच्छी शायरी और वन लाइनर्स सुन लेते हैं। तो फिल्म का सेकेंड हाफ काफी बड़ा लगता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आने की वजह से ये सवाल जहन में चलते लगता है कि आखिर फिल्म खत्म कहां होगी। तो ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी फिल्म का बज क्रिएट करने में फायदेमंद थी, लेकिन फिल्मांकन के दौरान उन्हें और ज्यादा कैश किया जा सकता था। तो साथ ही इन दोनों की एंट्री भी इंटरवल के बाद ही होती है। एक वक्त के बाद जहन में ये भी सवाल आने लगता है कि आखिरकार ये किरदार एक दूसरे से चाहते क्या हैं। इंटरवल के बाद ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है। तो ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे उम्दा एक्टर्स हैं। अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय आपका दिल जीत लेंगी। तो अजीब कहानी है प्यार और दोस्ती के रिश्ते की। प्यार हमारा हीरो, दोस्ती हमारी हीरोइन। और इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्यार और दोस्ती दोनों ही कारण आपको दिए हैं। तो फिल्म जरूर देखी जा सकती है। एक बात जो ऐ दिल है मुश्किल को विनर साबित करती है वो है फिल्म के डायलॉग्स। तो फिल्म के डायलॉग सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। तो चार्मिंग दिखने वाला लड़का आयान और मस्त मौला लड़की अलीजह की मुलाकात लंदन में एक बार में होती है। सीन को लंबा कर देने वाले कुछ रोमांटिक लम्हे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ती हैं, अलीजह को आयान के बचकानेपन का एहसास होता है, लिहाजा दोनों का रिश्ता दोस्ती पर आकर खत्म हो जाता है। लीजा से आयान का रिश्ता तोड़वाने के में अलीजह आयान की मदद करती है और दोनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। तभी एंट्री होती है अलीजा के पूर्व प्रेमी तबाही अली की, जो नाइट क्लब में डीजे है। तो अली स्वीकारता है कि उसे अभी भी अलीजा से प्यार है और वह उसे अपनी जिंदगी से फेर पाना चाहता है। उधर दो दिल जुड़ रहे होते हैं, इधर आयान अपने एक तरफा प्यार के साथ दुख में डूब जाता है। तभी अचानक ही उसकी मुलाकात होती है सबा से, जो उसे प्यार के नए मायने समझाती है। क्या अब क्या आयान के लिए टूटे दिल को फिर जोड़ना मुश्किल होगा या अलीजा उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी? तो करण जौहर यहां एक तरफा प्यार की बात करते हैं और उनके किरदारों को देखकर आप महसूस करेंगे या हम में से कोई भी हो सकता है। हालांकि फिल्म के सेकेंड हाफ में कई जगहों पर आपको कहानी कमजोर होती देखेगी। करण जौहर ने अपने सब प्लॉट में कैंसर को भी जोड़ लिया है, जो सिर्फ फिल्म को लंबी करने का काम करता है। तो जहां संवेदनशीलता की बात आती है, तो करण रणबीर कपूर अपने उम्दा अभिनय से सबके दिलों को जीत जाते हैं। वहीं अनुष्का के मस्त मौला किरदार को देखना अच्छा लगा है। रणबीर अनुष्का की दोस्ती फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। वहीं ऐश्वर्या राय फिल्म के हर फ्रेम में बेहद खूबसूरत दिखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किरदार पर ज्यादा काम नहीं किया गया, जबकि फवाद खान के कैमियो को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। आलिया भट्ट का सरप्राइज अच्छा है। वहीं शाहरुख खान को कैसे भूला जा सकता है, जब शाहरुख खान आयान से कहते हैं एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, औरों की तरह यह दो लोगों में नहीं बटती। तो एक बात जो ऐ दिल है मुश्किल को विनर साबित करती है
वो है फिल्म के डायलॉग्स। फिल्म के डायलॉग सीधे आपके दिल में उतरेंगे। अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को बचा लेती है। फिल्म का टाइटल और बुलाया बेहतरीन लगे हैं। ब्रेकअप सॉन्ग मस्ती भरा माहौल बना देगा, जबकि चन्ना मेरिया आपको इमोशनल कर देगा। तो ए दिल है मुश्किल से रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक उम्दा एक्टर है। अजीब कहानी है प्यार और दोस्ती के रिश्ते की। प्यार हमारा हीरो, दोस्ती हमारी हीरोइन। और इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्यार और दोस्ती दोनों ही कारण आपको दिए हैं। फिल्म जरूर देखी जा सकती है दोस्तों। तो ए दिल है मुश्किल 2016 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका लेखन निर्देशन करण जौहर ने किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा हैं। फिल्म में शाहरुख खान, फवाद खान कैमियो करते हुए दिखाई दिए थे। तो फिल्म 28 अक्टूबर 2016 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। तो चार्मिंग दिखने वाला लड़का अयान और मस्त मौला लड़की अलीजे की मुलाकात लंदन में के एक बार में होती है। सीन को लंबा कर देने वाले कुछ रोमांटिक लम्हे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ने लगती हैं, अलीजे को अयान के बचकानेपन का एहसास होता है, लिहाजा दोनों का रिश्ता दोस्ती पर आकर खत्म हो जाता है। कुछ बियर की बोतलें और कुछ फिल्मी डायलॉग्स उनकी दोस्ती को और गहरा करते हैं। इसके बाद एक डबल डेट का भंडाफोड़ का उस वक्त होता है जब अयान को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड लीजा उसे धोखा दे रही है और उसका रिश्ता अलीजे के होने वाले पति के साथ है। तो लीजा से अयान का रिश्ता तोड़वाने में अलीजे अयान की मदद करती है और दोनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। इसी बीच अयान को एहसास होता है कि अलीजे से प्यार हो गया है, लेकिन अलीजे साफ इनकार कर देती है। तभी एंट्री होती है अलीजे के पूर्व प्रेमी तबाही अली, जो नाटक क्लब में डीजे है। तो अली स्वीकारता है कि उसे अभी भी अलीजे से प्यार है और वह अब उसे अपनी जिंदगी में फिर पाना चाहता है। उधर दो दिल जुड़ रहे होते हैं, इधर अयान और एक तरफा प्यार के साथ दुख में डूब जाता है। तभी अचानक ही उसकी मुलाकात होती है सबा से, जो उसे प्यार के नए मायने समझाती है। तो अब क्या अयान के लिए टूटे दिल को फिर जोड़ना मुश्किल होगा या अलीजे उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी? बाकी की पूरी फिल्म इसी प्लॉट के इर्द गिर्द घूमती है। अगर रणबीर कपूर की बॉक्स ऑफिस की पिछली सुपरहिट फिल्मों का नाम याद करें तो करण जौहर के बैनर तले बनी ये जवानी है दीवानी ही इसकी पिछली सुपरहिट फिल्म थी। तो लंबे अरसे से एक अदद हिट को तरस रहे रणबीर कपूर की हिट की तलाश शायद इस बार फिर करण जौहर के बैनर से ही पूरी हो जाए। तो बतौर डायरेक्टर स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स के बाद करण ने दोबारा डायरेक्शन की कमान संभाली। तो एक बार फिर उन्होंने इमोशन और म्यूजिक का सहारा लेकर फिल्म बनाई। बेशक फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर और पाक कलाकारों को लेकर उठे विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका सीधा फायदा आज फिल्म के रिलीज के दिन बॉक्स ऑफिस पर नजर आया। तो फिल्म को कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में 80-90% की ओपनिंग मिली, तो नॉर्थ इंडिया के मल्टीप्लेक्सों में 50-70% तक ऑक्यूपेंसी मिली। तो करण ने इस फिल्म पर करीब 85 करोड़ से ज्यादा का बजट लगाया। ऐसे में 2500 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई यह फिल्म अगले 5 दिन करीब 60-70% की ऑक्यूपेंसी करती है तो फिल्म प्रॉफिट में आ जाएगी। फिल्म रिलीज से पहले मीडिया में रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के अंतरंग सीन्स को लेकर बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद लगता है कि सेंसर ने इनमें से ज्यादातर सीन्स पर अपनी कैंची चला दी थी। तो पाक एक्टर फवाद खान की वजह से विवादों में रहने की वजह से फिल्म का यंगस्टर्स में क्रेज इस कदर बढ़ा कि बॉक्स ऑफिस पर यंगस्टर्स का जमघट नजर आया। तो अयान बेशक अच्छा नहीं गाता, लेकिन उसका सपना मोहम्मद रफी जैसा नामी सिंगर बनना है। अपने पापा के डर से अयान ने सिंगर बनने का सपना दिल में दबाकर लंदन में MBA की स्टडी कर रहा है। तो बिंदास टाइप की अपनी अलग दुनिया में रहने वाला अलीजा के बॉयफ्रेंड डॉक्टर अब्बास का मिजाज अलीजा के ठीक उलट है। तो उसे डांस पार्टी बाजी पसंद नहीं है। इसी बीच एक दिन अयान और अलीजा मिलते हैं और उन्हें लगता है कि जिनके साथ वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं वह उन जैसे बिल्कुल हैं। सो अलीजा अपने बॉयफ्रेंड और अयान अपनी लवर को छोड़कर मौज मस्ती करने पेरिस निकलते हैं। पेरिस में अयान को एहसास होता है कि वह अलीजा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अलीजा अयान को अपने दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तो आपको दीवाना बना देगी ऐश्वर्या और रणबीर की ये हॉट तस्वीरें। अलीजा को कुछ अरसा पहले डीजे अली के साथ ब्रेकअप हो चुका है। ऐसे में ब्रेकअप के सदमे से उभरने के लिए
अलीजा अपना ज्यादा वक्त अयान के साथ गुजारती है। अचानक एक दिन अली फिर अलीजा की जिंदगी में लौट आता है। अलीजा अब अयान को छोड़ अली के साथ उसके शहर लखनऊ जाकर उससे निकाह कर लेती है। यही कहानी में सबा खान की एंट्री होती है, जो शोरो शेरो शायरी करती है। सबा भी इंतहा खूबसूरत है, अयान भी अब अच्छा सिंगर बन चुका है। सबा की एंट्री के बाद कहानी में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो दर्शकों को झकझोर देता है। तो पूरी फिल्म रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के इर्द गिर्द घूमती है। रॉक स्टार के बाद रणबीर इस फिल्म में एक बार फिर सिंगर और लवर के रोल में है। अयान के किरदार में यकीनन रणबीर ने अच्छी एक्टिंग की है। वहीं बिंदास अलीजा के किरदार को अनुष्का शर्मा ने अपनी दमदार एक्टिंग से जीवंत कर दिखाया है। इंटरवल से पहले और बाद अनुष्का टोटली डिफरेंट शेड में नजर आई और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर छा गई। तो फवाद खान और ऐश्वर्या को बेशक ज्यादा फुटेज नहीं मिली, लेकिन इन दोनों ने अपने किरदार को अच्छे ढंग से निभाया है। शाहरुख खान और आलिया भट्ट की फिल्म में सरप्राइज एंट्री है, जो दर्शकों के बीच एनर्जी लाती है। तो अगर बतौर डायरेक्टर करण जौहर की बात की जाए तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के करीब 4 साल बाद एक बार फिर उन्होंने निर्देशन की कमान संभाली है। म्यूजिकल और इमोशनल सीन्स को फिल्माने में करण की गजब की मास्टरी है। इंटरवल से पहले जहां उन्होंने फिल्म में मौज मस्ती का ऐसा पुट रखा जो यंगस्टर्स की कसौटी पर 100% खरा उतरता है, तो वहीं इंटरवल के बाद करण ने इमोशंस का तड़का लगाया है। स्क्रिप्ट की डिमांड के मुताबिक करण ने फिल्म की शूटिंग लंदन, पेरिस, ऑस्ट्रिया में भी की है। तो इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार कुछ थम जाती है, लेकिन करण ने सुरीले म्यूजिक और खूबसूरत लोकेशंस का सहारा फिल्म को कहीं भी कमजोर नहीं होने दिया। रिलीज से पहले ही इस फिल्म के कई गाने म्यूजिक चार्ट में टॉप 5 में शामिल हो चुके हैं। करण ने इन गानों को पूरी भव्यता के साथ ऐसे ढंग से फिल्माया है जो यंगस्टर्स की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। बुलिया, ब्रेकअप, एयर और टाइटल सॉन्ग्स ए दिल है मुश्किल पहले से यंगस्टर्स की जुबां पर चढ़े हुए हैं। वहीं करण ने फिल्म के 70-80 के दशक के कई सुपरहिट गानों को फिल्म में अलग ढंग से फिल्माया है। तो अगर आप रणबीर कपूर और अनुष्का के फैन हैं तो अपने मनपसंदा इन दोनों स्टार्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने और सुरीले संगीत का आनंद लेने के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। बेहद खूबसूरत विदेशी लोकेशंस और सुरीला संगीत फिल्म की एक और USP है। तो करण जौहर फिल्म मेकर यश चोपड़ा के रोमांटिक सिनेमा से बेहद प्रभावित रहे। अपने करियर के शुरुआत में उनके सिनेमा पर एक यह छाप महसूस की जाती रही है। तो पिछली 2 फिल्मों माय नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने अच्छा कमाल भी किया है। तो ए दिल है मुश्किल के जरिए वे फिर अपने चिर परिचित रोमांटिक सिनेमा की ओर लौटे हैं। तो ए दिल है मुश्किल में रिश्तों के समीकरण को मोहब्बत की चाशनी में लपेटकर उन्होंने पेश किया है। एक तरफा प्यार शायद भारत में सबसे ज्यादा होता है। इस एक तरफा प्यार को उन्होंने प्रमुखता के साथ फिल्म में दर्शाया है। साथ ही साथ लड़के लड़की की दोस्ती और मोहब्बत के बीच की महीन रेखा पर भी उन्होंने अपनी फिल्म केंद्रित की है। अयान प्राइवेट जेट वाला अमीर है, गाना और इश्क के सिवाय उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अयान उस युवा पीढ़ी का नुमाइंदा है जिसके लिए प्यार और ब्रेकअप एक फैशन की तरह है। गर्लफ्रेंड और ब्रेकअप को स्टेटस की तरह पेश किया जाता है। तो अयान को सच्ची वाली मोहब्बत होती है अलीजा से, जो कि अली के इश्क में गिरफ्त है। वो अयान को अपना सच्चा दोस्त मानती है। वो इश्क में जनून और दोस्ती में सुकून महसूस करती है। अली के इश्क में उसे वह जनून नहीं मिलता जो अयान की दोस्ती में मिलता है। तो अयान का प्यार एक तरफा है, वह अलीजा से इसका इजहार भी करता है, लेकिन अलीजा उसे सिर्फ दोस्त मानती है और अली के से निकाह कर लेती है। दिल टूटने के बाद अयान की जिंदगी में खूबसूरत शायरा सबा आती है, लेकिन अयान के लिए वह जरूरत है, ख्वाहिश नहीं। सबा यह बात समझ जाती है और अयान से अलग हो जाती है। उसका अयान के प्रति एक तरफा प्यार था। सबा तलाकशुदा है पूर्व पति ताहिर और उसके बीच भी दोस्ती और एक तरफा प्यार वाला किस्सा है। तो करण जौहर ने फिल्म को लिखा और निर्देशित किया है। कुछ कुछ होता है कभी अलविदा ना कहना जैसी अपनी फिल्म को मिला जुला कर करण ने ए दिल है मुश्किल में पेश किया है। तो फिल्म की शुरुआत बढ़िया है। अयान और अलीजा के किरदार अच्छे लगते हैं, जो पूरी आजादी के साथ अपने दिल की बात सुनते हैं। दोनों की नोकझोंक और बातें अच्छी लगती हैं। इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया गया है। तो महानगर में रहने वाला युवा सीधे इससे कनेक्ट होते हैं। उन्हें अयान और अलीजा अपनी तरह लगते हैं। लंदन की लाइफ स्टाइल, कलाकारों का स्टाइलिश लुक, उनकी कूलनेस आपको बांध कर रखती है। इंटरव्यू के बाद इन दो बातों का खुमार उतर कर दर्शकों का ध्यान जब कहानी की ओर जाता है तो निराशा हाथ लगने लगती है। लेखक के रूप में करण जौहर दुविधा में फंसे नजर आते हैं कि कहानी को किस तरह आगे बढ़ाया जाए।
सो दर्शकों का ध्यान बंटाने के लिए ऐश्वर्या के किरदार को डाला जाता है ताकि ऐश्वर्या की खूबसूरती और नए किरदार में दर्शक उलझ जाए। फिल्म और कमजोर पड़ती है तो शाहरुख खान भी एक सीन में आकर अपना असर छोड़ जाते हैं, लेकिन कहानी घिसट कर आगे बढ़ती है। तो कहानी के अंत में दर्शकों को इमोशनल करने के लिए अंतिम दाव चला जाता है, लेकिन तब तक दर्शक प्यार और दोस्ती की बहस से उब चुके होते हैं। तो स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमी यह है कि फिल्म के मुख्य किरदारों के प्यार और अलगाव की भावना की तीव्रता दर्शक महसूस नहीं कर पाते। उन्हें सब सतही लगता है। मुख्य किरदारों की बुद्धिमानी पर शक होने लगता है। मुख्य किरदारों के एक तरफा प्यार से लेकर लेखक का दिल नहीं भरा तो ढेर सारे किरदार ऐसे डाल दिए जो एक तरफा प्यार ही करते हैं। ऐसा लगता है कि करण को ही अपनी कहानी पर ही विश्वास नहीं था। तो अयान और सबा के रिश्ते तो इतनी तेजी से दिखाया गया है कि हैरत होती है। दो मुलाकातों के बाद वे सीधे बिस्तर पर नजर आते हैं। सबा अपने पति से क्यों अलग हुई यह बताया नहीं गया। अलीजा और अली के ब्रेकअप को भी ठोस वजह सामने नहीं आती। ये सारे सवाल और स्क्रिप्ट की कमियां फिल्म देखने समय दर्शकों के दिमाग में निरंतर उठती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा उबाऊ या पकाती है। निर्देशक के रूप में करण जौहर अपने लेखक की कमी को ढकने में कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। तो उनका प्रस्तुतिकरण ताजगी से भरा है। इस तरह की कहानी को पर्दे पर पेश करने का सलीका उन्हें आता है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जो मनोरंजन करते हैं। पुराने हिट गानों का बेहतरीन उपयोग किया गया है, लेकिन इस तरह के दृश्य ज्यादा नहीं है। खास तौर पर सेकंड हाफ में करण के हाथों से फिल्म छूट जाती है और बहुत लंबी लगने लगती है। संगीत के मामले में फिल्म अमीर है। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती ने वाकई में मेहनत की है। तो अमिताभ द्वारा लिखे शब्द किरदारों को ताकत देते हैं और प्रीतम की धुनें पहली बार में ही पसंद आ जाती हैं। ए दिल है मुश्किल, बुल्लैया, क्यूटी पाई बेहतरीन बन पड़े हैं। सभी कलाकारों के बीच अनुष्का शर्मा का अभिनय सबसे अच्छा रहा है। बिंदास बेपरवाह मजबूत, अलीजा का किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिया है। दृश्य के अनुरूप उन्होंने चेहरे पर हाव भाव लाए हैं, तो प्यार में जुनून और दोस्ती में सुकून वाली बात को उनके चेहरे से पढ़ा जा सकता है। कई दृश्यों में उन्होंने रणबीर कपूर को बैकफुट पर धकेल दिया है, जो कि बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं। रणबीर की तारीफ इस बात से के लिए करनी होगी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर की बारीकी को ठीक से समझा और पूरी फिल्म में सधा हुआ अभिनय किया। तो ऐश्वर्या राय बच्चन का किरदार पावरफुल नहीं है। यदि उनका कैरेक्टर फिल्म से निकाल भी दिया जाए तो फिल्म में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। उनका अभिनय औसत से बेहतर माना जा सकता है। जिस पाकिस्तानी अभिनेता फवाद अली खान को लेकर इतना हल्ला मचाया गया है, वे चंद मिनटों के लिए स्क्रीन पर नजर आते हैं। लगता है करण ने उनके रोल पर खेंची चला दी है। तो शाहरुख खान एक सीन में आकर साबित कर देते हैं कि उन्होंने रोमांस का बादशाह कहा जाता है। लिसा हेडन का नाम तारीफ के काबिल है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने अपने कैमरे की आंख से दिखाया है, जो आंखों को सुकून और दिल को ठंडक देती है। उनकी हर फ्रेम खूबसूरत है और फिल्म को स्टाइलिश लुक देने के लिए काफी पैसा भी खर्च किया गया लगता है। ए दिल है मुश्किल का पैकेजिंग बेहद आकर्षक है, लेकिन कंटेंट में कसर रह जाती है। तो पुरानी बोतल में नई शराब, हम ये बोल सकते हैं नया लेबल। क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते? वर्षों से चल रहे इस फिल्मी सवाल को करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल में नई पीढ़ी और भारत पाकिस्तान के किरदारों के साथ बनाया। मगर हाल की पाकिस्तान विरोधी जन भावनाओं को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान को पर्दे पर लखनऊ दिखाने को मजबूर होना पड़ा। तो जबकि किरदारों अलीजा, डीजे अली ताहिर की भाषा साफ बताती है कि वे पाकिस्तान से हैं, लखनऊ से नहीं। हिंदी फिल्में बनाने वाले करण जौहर भारत से कितने कनेक्ट हैं, इसका पता इसी से चलता है कि उनकी कहानी में हीरो भी भारतीय नहीं है। अयान लंदन में पैदा हुआ और पला है। ये सारे किरदार यूरोप में घूमते हैं, वह भारत के नाम पर सिर्फ बॉलीवुड सिनेमा को पहचानते हैं। तो असल में करण की फैक्ट्री में बने पूरे सिनेमा में यह कृत्रिम भारतीयता दिखती है। मगर इसमें संदेह नहीं कि उसमें पैसों से आने वाले पल दो पल के ग्लैमर्स की चमक है और इसे देखने पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या कम नहीं। तो जिन्हें करण की कभी अलविदा ना कहना पसंद आई थी, वह ए दिल है मुश्किल को भी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि अंततः प्यार यहां भी कैंसर है। तो जवानी में कदम रख चुके अयान का बचपना गया नहीं है और इसी नादानी में उसने 3 बार दिल पर चोट खा चुकी अलीजा को दिल दे दिया है। मगर अलीजा उसे दोस्त से ज्यादा नहीं मानती, क्योंकि उसे प्यार का दर्द नहीं देना चाहती। अलीजा के लिए प्यार में जुनून है और दोस्ती में सुकून है। वह अयान के संग साथ में सुकून पाती है। तो अलीजा से दूर होकर अयान जब शराबी शायरी करने वाली तलाकशुदा सबा से मिलता है तो उसकी खूबसूरती का आशिक हो जाता है, परंतु उसे प्यार नहीं कर पाता। तो फिल्म
प्यार की तलाश करते आयान की कहानी है, जिसमें भावनाओं का ज्वार भाटा थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहता है। ए दिल है मुश्किल का पहला हिस्सा काफी देर तक दिशाहीन लफ्फा जी की तरह लगता है, जिसमें आप समझ नहीं पाते कि कहानी किस तरफ जा रही है। तो अलीजा और अयान बार बार शराब खानों, क्लबों और अपने कमरों में लौट कर आते हैं। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं घटता। घटनाक्रम रफ्तार पकड़ता है डीजे अली की एंट्री के साथ, जब अलीजा उसके लिए अयान को अपने से दूर कर देती है। मगर कहानी में विस्तार नहीं है और वह चुनिंदा बिंदुओं पर ही दोहराती रहती है। तो असल में पूरी फिल्म करण जौहर के पुराने सिनेमा से अलग कुछ नहीं कहती। उसकी भावनाएं भी नई नहीं है। रणबीर संभावनाओं के बावजूद बंधे हुए दायरे कुछ खास फिल्मी खेमों के काम कर रहे हैं। इसमें उनका नुकसान है, यह फिल्म उन्हें इतना सुकून जरूर देगी कि इसे देखकर दर्शक उनकी कुछ पिछली फिल्में भूल सकेंगे, कुछ उसे उनके कमबैक का भी नाम देंगे। तो अनुष्का शर्मा के हिस्से लाउड अभिनय आया है, उनके चेहरे पर पहले ही संवेदनाओं की गहराई नहीं दिखती, यहां वह और कम हो गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन यहां हर दृश्य में कमबैक के लिए बेचैन नजर आती हैं। अंततः फिल्म उन्हें निराश ही करेगी, क्योंकि उनका किरदार बीच फिल्म में अप्रासंगिक होकर खो जाता है। तो वह कहानी के बीच में आती हैं और बीच में ही लापता हो जाती हैं। फिल्म का गीत संगीत जरूर इन दिनों आ रही अन्य फिल्मों के मुकाबले सुनने लायक है। तो करण अगर अपने सिनेमा के खांचों को तोड़ सके तभी आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे, वरना ऐसा सिनेमा उन्हें अब आगे नहीं ले जा सकेगा और दर्शक दोहराव को कब तक देखते रहेंगे। बॉलीवुड फिल्मों में रोमांस हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है। बॉलीवुड में शायद ही ऐसी कोई फिल्म होगी जिसकी कहानी प्यार और रोमांस की स्याही में डुबे बिना लिखी गई हो, यानी जिसमें रोमांस का तड़का ना लगाया गया हो। तो इसी तरह की हम एक फिल्म का बात कर रहे हैं, ए दिल है मुश्किल, जो कि ए रोमांटिक फिल्म है। क्या ए दिल है मुश्किल भावनात्मक तौर पर एक सफल फिल्म थी या यह फिल्म मुश्किल का सामना करके आई? तो ए दिल है मुश्किल प्रेमियों के बीच एक उतार चढ़ाव भरी कहानी है, जो कि उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत गायक अयान सहगल के इंटरव्यू देने से परिचय से होती है, जहां वह अपने सफल गायकी करियर के पीछे की प्रेरणा के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद फिल्म की कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अयान और जिंदा दिल उत्साही अलीजा खान से एक नाइट क्लब में मिलते हैं। तो दोनों को दोस्त के रूप में एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, इतना कि वो कभी ना अलग होने वाले दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब अयान और अलीजा अपने संबंधित प्रेमियों के साथ डबल डेट पर जाते हैं, तो उस दौरान एक अप्रिय घटना होती है, जिसकी वजह से उनका उनके प्रेमियों के साथ ब्रेकअप हो जाता है। अब अयान और अलीजा अपने अपने ब्रेकअप को सेलिब्रेट करने के लिए पेरिस जाते हैं, जहां दोनों को एक दूसरे का अच्छा साथ अच्छा लगने लगता है। तो अलीजा से अपने प्यार का बार बार इकरार करने के बावजूद वह हमेशा एक ही बात कहती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। एक दिन अयान और अलीजा पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं। वहां अलीजा अपने पूर्व प्रेमी अली से मिलती है, जो कि उस क्लब में डीजे होता है। तो अलीजा जो महसूस करती है कि उसका अली के लिए प्यार फिर से उभर रहा है, अयान को अपना फैसला सुना देती है। वह अयान को बताती है कि वह अली से शादी करना चाहती है और ये व्यक्ति है जिससे पहले प्यार हुआ था। तो अयान का ये सुनकर दिल टूट जाता है और तब वह सभा से मिलता है, जो कि एक कवित्री है और एक तलाकशुदा महिला भी है जिसने अपनी खुशी से तलाक दिया था। तो अयान सभा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। सभा को उस रिश्ते से कुछ गड़बड़ सी नजर आती है। इन सब के बीच अयान को अलीजा के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बात पता चलती है और वो हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख देती है। तो अलीजा के बारे में अयान को ऐसी क्या बात पता चलती है जिससे अयान सदमे में आ जाता है? सभा के साथ उसका रिलेशनशिप का क्या अंजाम होता है और अयान किसके साथ सेटल होता है, ये सब बाकी की फिल्म देखकर ही पता चलेगा। तो करण जौहर की फिल्म हमेशा रिश्तों और भावनाओं के ताने बाने में बुनी हुई होती है, जिसमें रईस की झलक और संगीत की महत्ता साफ साफ देखी जा सकती है। तो ए दिल है मुश्किल भी कुछ इस तरह की ही कहानी है। जब से ए दिल है मुश्किल के प्रोमो रिलीज हुए, तब से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर जिज्ञासा चरम पर थी। यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी भी उतरी, तो फिल्म की कसी हुई पटकथा इसे वास्तविक बनाती है और अत्यंत रूप से आज के रिश्तों से रिलेट करती है। तो फिल्म के संवाद वाकई जीवंत है और इसके स्थितिजन्य वन लाइनर्स निश्चित रूप से दर्शकों के बीच गूंजेंगे।
तो हालांकि यह दिल है मुश्किल की कहानी में कुछ भी नयापन नहीं है, क्योंकि पहले भी दर्शक इस तरह की कहानी कई बार देख चुके हैं। ऐसा क्या है जो इसे बाकी की फिल्मों से अलग बनाता है? तो वो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, अत्यंत परिपक्वता जो कि करण जौहर की हर फिल्म में देखने को मिलती है। ए दिल है मुश्किल में वो सब कुछ है जो करण जौहर की फिल्मों में होता है। तो इसकी परिपक्व कहानी के बावजूद यह फिल्म हर उग्र के वर्ग को भाएगी। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, माई नेम इज खान और स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स जैसी हिट फिल्में निर्देशित करने के बाद करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल को निर्देशित करने की कमान संभाली। तो इस फिल्म पर करण जौहर की त्रुटिहीन फिल्म निर्माण की छाप पूरी तरह से देखी जा सकती है। तो करण जौहर, जो अपनी फिल्म की स्टार कास्ट से असाधारण प्रदर्शन निकालने के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर ए दिल है मुश्किल में अपने इस टैग को सार्थक करते हैं। ए दिल है मुश्किल के साथ करण जौहर ये पूरी तरह से साबित करते हैं कि इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि क्यों उन्हें बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ कहानी वक्ता कहा जाता है। यदि एक शब्द में कहा जाए तो ए दिल है मुश्किल के करण जौहर का निर्देशन अनुकरणीय है। बिना किसी नौटंकी या हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाए सीन का सहारा लिए, इमोशंस पर संभालने के लिए और खास तौर पर क्लाइमैक्स के समय पर ट्विस्ट डालने के लिए करण जौहर को पूरे में से पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से किरदारों को स्थापित करने में बीतता है, वहीं फिल्म का सेकेंड हाफ फिल्म की गति में जान डालता है। उन सीन को मिस मत कीजिए जहां रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा डबल डेट पर जाते हैं, रणबीर तोहफा तोहफा और बेबी डॉल गानों की धुनों पर थिरकते हैं। जब अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को दिल का दर्द का मतलब समझाती है, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा अल्प्स में अपने बॉलीवुड सपने को जीते हैं। और फिल्म के सेकेंड हाफ में मेडली सॉन्ग सीक्वेंस जैसे आकर्षक सीन। तो अभिनय की बात करें तो यह फिल्म रणबीर कपूर, जिसकी विशेष रूप से रॉय, बॉम्बे वेलवेट और तमाशा जैसी फिल्में में एक के बाद एक फ्लॉप होने के बाद एक अदद हिट फिल्म की जरूरत थी, तो ये उन्हीं से संबंधित है। तो ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर बहुत जचते हैं और ऐसा लगता है कि ये रोल उनके लिए ही बना था। तो रणबीर कपूर, जो अक्सर फिल्म का केंद्र बिंदु होते हैं, ने इस रोल को जिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ए दिल है मुश्किल पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर की फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा ने फिल्म में शानदार काम किया और पूरी शिद्दत के साथ अपना रोल निभाया। फिल्म में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा के बीच की केमिस्ट्री उत्कृष्ट है, इतना कि लोग निश्चित रूप से उनकी पिछली फिल्म बॉम्बे वेलवेट की पराजय को पीछे छोड़ देंगे। कुल मिलाकर अनुष्का शर्मा इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के मामले में अत्यंत सुखद लगती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म की में सीमित समय होने के बावजूद बहुत ही खूबसूरत, क्लासी और अपनी पिछली सभी भूमिकाओं से अलग लगती हैं। तो ऐश्वर्या को इस तरह में पेश करने के लिए मनीष मल्होत्रा को पूरे में से पूरे अंक दिए जाते हैं। बात रणबीर के किरदार को आकर्षित करने की हो या दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की, ऐश उम्मीदों पर एकदम खरी उतरती है, जैसा कि ऐश से उम्मीद कही गई थी। तो फवाद खान, जिनकी भूमिका निर्दयता से काट दी गई, जिनका भी जितना भी उन्हें समय मिला है उसमें वे बहुत जची हैं। फिल्म में आलिया भट्ट और इमरान अब्बास का कैमियो लाम काम चल्लाऊ है। दूसरी ओर शाहरुख खान और लेसा हैडन का कैमियो शानदार रहा है। ये दिल है मुश्किल का संगीत पहले से ही सुपरहिट हो गया है और फिल्म के गाने फिल्म की कहानी में चार चांद लगाते हैं। भुल्लैया और फिल्म का शीर्षक गीत फिल्म की गति को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। इस फिल्म का पृष्ठभूमि स्कोर भी उतना ही अच्छा है और फिल्म काफी उम्दा मदद करती है, बनाने में मदद करता है। तो फिल्म का छायांकन उत्कृष्ट है, जिस तरह से उन्होंने विदेशी स्थलों को शूट किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। हालांकि फिल्म का संपादन अच्छा है, यह निश्चित रूप से और कसा हो सकता था, विशेष रूप से फिल्म के सेकंड हाफ में। यदि फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होती तो ये निश्चित रूप से फिल्म के लिए अच्छी साबित होती। कुल मिलाकर यह दिल है मुश्किल कहानी बयां करने में महारत हासिल कर चुके करण जौहर की ओर से रिश्तों के लिए समकालीन और नए जमाने की सोच है। यह पूरी तरह से मनोरंजन करने के लिए दिवाली का गिफ्ट है, जो कि बड़े कैनवस पर शानदार लुभावने दृश्यों, चार्टबस्टर म्यूजिक और एक मनोरंजक पटकथा से भरी है। यह फिल्म जबरदस्त प्रचार, फेस्टिव सीजन से युक्त और
तारक वीकेंड के कारण बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में कामयाब होगी और फिल्म के मेकर्स के लिए शानदार रिटर्न भी साबित हुई। संक्षेप में ये दिल है मुश्किल निर्विवाद रूप से सुपरहिट फिल्म रही। तो कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद साल 2000 में करण जौहर ने स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर और 2013 में बॉम्बे टॉकीज फिल्म के एक सेगमेंट को डायरेक्ट किया था। अब करण ने रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा जैसे एक्टर्स को लेकर अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट की, जिसे ए दिल है मुश्किल नाम दिया गया था। तो आखिर कैसी बनी थी ये फिल्म, इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो फिल्म की कहानी अयान की है, जो जिंदगी में सिंगर बनना चाहता है लेकिन अपने पिता के डर की वजह से MBA की पढ़ाई करता है, जहां उसकी मुलाकात अलीजा से होती है और अयान को अलीजा से एक तरफा प्यार हो जाता है। हालांकि अलीजा इसे दोस्ती का नाम देती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और सबा तालियान खान की एंट्री होती है। कहानी में कई मोड आते हैं और क्या अयान का एक तरफा प्यार मुकम्मल हो पाता है। तो फिल्म के एक्टर्स रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा के दीवाने हैं, तो ये फिल्म आपको खुद ब खुद आकर्षित करेगी। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा ने काफी उम्दा काम किया है। फिल्म में शाहरुख खान, लीजा हेडन और आलिया भट्ट के स्पेशल अपीयरेंस भी हैं। और जैसे ही शाहरुख खान का चेहरा स्क्रीन पर आता है, सरप्राइज वाली तालियां जरूर बजती हैं। फिल्म में एक म्यूजिक और विजुअल ट्रीट है, जिसकी वजह से एक ताजगी पूरी फिल्म में बनी रहती है। अगर आपको शेर और शायरी का शौक है तो फिल्म के दौरान ऐसे कई मौके आते हैं जब आप अच्छी शायरी और वन लाइनर्स सुन लेते हैं। तो फिल्म का सेकेंड हाफ काफी बड़ा लगता है। बहुत सारी उतार चढ़ाव आने की वजह से ये सवाल जहन में चलते लगता है कि आखिर फिल्म खत्म कहां होगी। तो ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी फिल्म का बज क्रिएट करने में फायदेमंद थी, लेकिन फिल्मांकन के दौरान उन्हें और ज्यादा कैश किया जा सकता था। तो साथ ही इन दोनों की एंट्री भी इंटरव्यू के बाद ही होती है। एक वक्त के बाद जहन में ये भी सवाल आने लगता है कि आखिरकार ये किरदार एक दूसरे से चाहते क्या हैं। इंटरवल के बाद ही कॉम्प्लिकेटेड कहानी हो जाती है। तो ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे उम्दा एक्टर्स हैं। अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय आपका दिल जीत लेंगी। तो अजीब कहानी है प्यार और दोस्ती के रिश्ते की। प्यार हमारा हीरो, दोस्ती हमारी हीरोइन, और इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्यार और दोस्ती दोनों ही कारण आपको दिए हैं। तो फिल्म जरूर देखी जा सकती है। एक बात जो ए दिल है मुश्किल को विनर साबित करती है, वो है फिल्म के डायलॉग्स। तो फिल्म के डायलॉग सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। तो चार्मिंग दिखने वाला लड़का अयान और मस्त वाला लड़की अलीजा की मुलाकात लंदन में एक बार में होती है। सीन को लंबा कर देने वाले कुछ रोमांटिक लम्हे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी आगे बढ़ती हैं, अलीजा को अयान के बचकानेपन का एहसास होता है, लिहाजा दोनों का रिश्ता दोस्ती पर आकर खत्म हो जाता है। लीजा से अयान का रिश्ता तोड़वाने के में अलीजा अयान की मदद करती है और दोनों एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। तभी एंट्री होती है अलीजा के पूर्व प्रेमी तबाही अली की, जो नाइट क्लब में डीजे है। तो अली स्वीकारता है कि उसे अभी भी अलीजा से प्यार है और वह उसे अपनी जिंदगी से फेर पाना चाहता है। उधर दो दिल जुड़ रहे होते हैं, इधर अयान अपने एक तरफा प्यार के साथ दुख में डूब जाता है। तभी अचानक ही उसकी मुलाकात होती है सबा से, जो उसे प्यार के नए मायने समझाती है। क्या अब क्या अयान के लिए टूटे दिल को फिर जोड़ना मुश्किल होगा, या अलीजा उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी। तो करण जौहर यहाँ एक तरफा प्यार की बात करते हैं और उनके किरदारों को देखकर आप महसूस करेंगे या हमें हम में से कोई भी हो सकता है। हालांकि फिल्म के सेकेंड हाफ में कई जगहों पर आपको कहानी कमजोर होती देखेगी। करण जौहर ने अपने सब प्लॉट में कैंसर को भी जोड़ लिया है, जो सिर्फ फिल्म को लंबी करने का काम करता है। तो जहां संवेदनशीलता की बात आती है, तो करण रणबीर कपूर अपने उम्दा अभिनय से सबके दिलों को जीत जाते हैं। वहीं अनुष्का के मस्त मौला किरदार को देखना अच्छा लगा है। रणबीर अनुष्का की दोस्ती फिल्म में बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। वहीं ऐश्वर्या राय फिल्म के हर फ्रेम में बेहद खूबसूरत दिखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके किरदार पर ज्यादा काम नहीं किया गया, जबकि फवाद खान के कैमियो को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। आलिया भट्ट का सरप्राइज अच्छा है। वहीं शाहरुख खान को कैसे भूला जा सकता है, जब शाहरुख खान अयान से कहते हैं, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, औरों की तरह यह दो लोगों में नहीं बटती। तो एक बात जो ए दिल है मुश्किल को विनर साबित करती है, वह है फिल्म के डायलॉग्स। फिल्म के डायलॉग सीधे आपके दिल में उतरेंगे। अनिल मेहता की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग फिल्म को बचा लेती है। फिल्म का टाइटल और बुल्लाया बेहतरीन लगे हैं। ब्रेकअप सॉन्ग मस्ती भरा माहौल बना देगा, जबकि चन्ना मेरिया आपको इमोशनल कर देगा। तो ए दिल है मुश्किल से रणबीर कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह एक उम्दा एक्टर है। अजीब कहानी है प्यार और दोस्ती के रिश्ते की। प्यार हमारा हीरो, दोस्ती हमारी हीरोइन, और इस फिल्म में रणबीर कपूर ने प्यार और दोस्ती दोनों ही कारण आपको दिए हैं। फिल्म जरूर देखी जा सकती है दोस्तों।